हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा होगा, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग वाली बातें हैं, हम लोगों ने उसको डिटेल में कवर किया हुआ है। और ये जो चैप्टर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका ये थर्ड लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। इसको तोड़ा जा सकता था लेकिन तोड़ने फिर वो मजा नहीं आता। बेशक लेक्चर को दो बार में देखो, आधा अभी आधा बाद में, लंबा होगा थोड़ा सा, हमेशा जो पहले के दो लेक्चर की तरह, ठीक है। करना क्या है, कॉपी पेन लेके बेटा जरूर बैठना, कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, ठीक है। जहां पर वीडियो रोक देते हो वहां पे वीडियो की टाइमिंग नोट कर दो कि यहां तक मैंने वीडियो देख ली है, अब मेरे को उसके आगे देखनी है। इस तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। और जो चीज़ कहीं पर लगता है कि समझ में नहीं आई, वीडियो को वहां पॉज करके उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से रिसर्च करो। मैं कोशिश पूरी करूंगा समझाने की। कहीं पर अगर तुम्हें लगता है कि अब भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसको फटाफट उसका मीनिंग देखो, पुरानी कोई चीज हो सकती है, और उसे कवर अप करते हुए चलो तो पढ़ने मजा आएगा। तो हम लोगों ने सारे ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली थी, GIT के बारे में पूरा, कॉर्न ग्लैंड्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना। कहां कहां पर क्या क्या चीजें हो रही थी। अब हम लोग लास्ट फाइनल आ गए हैं किसमें, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। किस तरीके से जो हम खा रहे हैं वो अल्टीमेटली किस तरह ब्रेक करेगा और किस तरीके से हमारी बॉडी उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ना। अगर खाना जो हमने खाया है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और सॉरी लेक्चर है, फिर कह रहा हूं मैं, आराम से, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है, पहले हम डाइजेशन पढ़ेंगे उसके बाद एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे। पहले डाइजेस्ट हो जाए, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद एब्जॉर्ब होगा। डाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इन इंजेस्टेड फूड। डाइजेशन वह प्रोसेस है जो कन्वर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को जो कि इंजेस्टेड, इंजेस्टमेंट जो हमने खाया है खाना, इनटू फॉर्म्स, एक ऐसे रूप में फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सिंपल सी चीज है, डाइजेशन करके आ रही है, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स खाए, चपाती खाई उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, उसको ऐसे रूप में तोड़ेगी कि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। प्रॉपर डाइजेशन रिक्वायर्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैकेनिकल मतलब जो दांतों से चबा रहे हैं, मैकेनिकल हो गया। फिर केमिकली जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो केमिकल हो गया। एंड ऑकर्स इन द ओरल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली तीन जगह हो रहा है केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन, ओरल कैविटी यानी हमारे मुंह में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बारी बारी से हम देखेंगे कि ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, स्टमक में क्या क्या होता है और देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर है? बहुत सारे बेटा यहां से तुम्हारे, फिर कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वाई यहां से तुम्हारे बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तुम लोग गलत करने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। मैं मार्क करता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है वन मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है। आगे आते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन द माउथ। मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ इज डन बाय चूइंग। मैकेनिकल मतलब ताकत लगा करके जो किया जा रहा है वो बाय चूइंग, चबा करके हो रहा है। और इसी चूइंग को हम लोग मस्टिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्टिकेशन या मैस्टिकेशन, ठीक है। इन विच फूड इज रोल्ड बाय द टंग। इसमें होता क्या है, खाना जीभ के द्वारा रोल होता रहता है, ग्राउंड ग्राइंड चबाया जाता है टीथ के द्वारा एंड मिक्स्ड विद सलाइवा, और हमारे सलाइवा से थूक से मिक्स कर दिया जाता है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है द फूड इज रिड्यूस्ड टू सॉफ्ट। जो हमारा खाना हमने खाया, रोटी हार्ड थी, वो सॉफ्ट, मुलायम, फ्लेक्सिबल, खिंचावदार, ईजिली स्वेल्योड, जो आसानी से निगली जा सके, ऐसे मास में कन्वर्ट हो जाती है। इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। यानी कि तुम लोग कभी देखा होगा, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा, कि तुम लोग खाना खाया 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 और निगलने वाले होते हो उस कौर को, लेकिन कंकड़ पत्थर या बाल आ गया और तुमने उसको थूक दिया हो, तो तुमने देखा होगा जो तुम खाना मुंह से निकाल देते हो वो गोल गोल होता है, काफ़ी लिसलिसा हो जाता है, सलाइवे की वजह से चिकना हो जाता है काफ़ी, है ना। तो यही चीज़ है, सॉफ्ट हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है और चिकना हो गया ताकि निगला जा सके आराम से। वो जो चीज़ तैयार हो गई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्लियर है? बोलस तैयार हो गया, अब ये बोलस को ढकेला जाएगा ईसोफेगस के अंदर, और ईसोफेगस से कहां जाएगा, पेट के अंदर। आगे आते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स बिगिंस टू डिसॉल्व। खाना जो है वो शुरू हो चुका है डिसॉल्व होना,
इन द वाटर इन सलाइवा, हमारे सलाइवा में पानी है, उस पानी में खाना डिजोल्व होना शुरू हो चुका है, पीस दिया ना हमने, चूरा चूरा बना दिया उसका, डिजोल्व होना शुरू हो गया है। एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बिकॉज एंजाइम्स कैन रिएक्ट विद फूड मॉलिक्यूल इन लिक्विड मीडियम ओनली। अगर ये खाना पानी में डिजोल्व नहीं होगा तो एंजाइम्स रिएक्ट नहीं कर पाएंगे उस खाने के न्यूट्रिएंट से और उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? एंजाइम्स को रिएक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो हमारा खाना है वो डिजोल्व हो जाए पानी में, पानी मतलब हमारे सलाइवा में। नाउ टू एंजाइम्स, ये रहा तुम्हारा वन मार्क्स क्वेश्चन, जब मार्क करता चलूंगा मार्क करते चलोगे। टू एंजाइम्स जो हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं, सेलिवरी अमाइलेज, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं बेटा, लिंगुअल लाइपेज, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिवरी अमाइलेज ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, और ये काम करता है फैट। बट लिंगुअल लाइपेज मुंह के अंदर काम नहीं कर पाता। देखो कहानी अभी समझ में आएगी, हमारे मुंह के अंदर केवल और केवल सेलिवरी अमाइलेज काम करता है। इसीलिए क्वेश्चन कई बार आता है कि बताओ सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होना शुरू होता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू होता है, कहाँ होता है, मुंह के अंदर सबसे पहले। ओके, फिर ये क्या करता है, अभी बात कर रहे हैं, लेकिन दो एंजाइम सलाइवा के द्वारा छोड़े जाते हैं, सेलिवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज। ये दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट टू केमिकल डाइजेशन, ये दोनों मिलकर के केमिकल डाइजेशन में अपने हिस्सेदारी दे रहे हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन द माउथ सेलिवरी अमाइलेज विच इज सीक्रेटेड बाय द सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी अमाइलेज को कौन सीक्रेट करता है, सेलिवरी ग्लैंड, इनिशिएट द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, है ना, स्टार्च इसलिए बोला गया है, क्यों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मार्क करेंगे क्वेश्चंस को। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट वी ईट आर स्टार्च, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो स्टार्च के रूप में होता है, बट ओनली मोनोसैकेराइड्स, वो कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के जब सबसे छोटा रूप मोनोसैकेराइड में आ जाएगा, कैन वी एब्जॉर्ब, मोनोसैकेराइड पता है ना, ग्लूकोज जो होता है अपना, ग्लूकोज हो गया अपना, तो जब कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मोनोसैकेराइड उसका एक सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर के किसमें आ जाएंगे, यहां पर ये मार्क कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक किया जाता है सेलिवरी अमाइलेज के द्वारा ही नहीं, और भी आगे आएंगे, अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट को किसमें टूटना है, मोनोसैकेराइड में, और जो मोनोसैकेराइड है यही एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा। ठीक है, बॉडी मोनोसैकेराइड को एब्जॉर्ब करती है, कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ दस इंजेस्टेड डाइसैकेराइड, या हमने कोई डाइसैकेराइड ले लिया है या स्टार्च ले लिया है, मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, चाहे वो स्टार्च हो, डाइसैकेराइड हो, पॉलीसैकेराइड हो, उसको आखिरकार मोनोसैकेराइड में टूटना ही होगा, और इसमें तोड़ने के लिए मुंह के अंदर कौन है, सेलिवरी अमाइलेज। ओके, सलाइवा आल्सो कंटेन्स लिंगुअल लाइपेज, सलाइवा के अंदर लिंगुअल लाइपेज भी होता है, लिंगुअल मतलब जीभ, लिंगुअल जीभ से है तो उसके द्वारा छोड़ा जाता है उसके, ठीक है, तो लिंगुअल लाइपेज विच इज सीक्रेटेड बाय लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है ना, जीभ के नीचे जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लिंगुअल ग्लैंड्स, इन द टंग दिस एंजाइम्स बिकम एक्टिवेटेड इन द एसिडिक एनवायरनमेंट। ये मुंह के अंदर, हमारा मुंह के अंदर कितना पीएच होता है, 6.8 के आसपास, बेसिक मीडियम के आसपास है, वहां पर ये एक्टिवेट नहीं होता है, निकल तो जाता है बाहर लेकिन एक्टिवेट नहीं होता है, एक्टिवेट होने के लिए इसे क्या चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक, स्टमक के अंदर पीएच कितना था, 1.8 के आसपास, तो जैसे ही ये जो सेलिवरी लिंगुअल लाइपेज है, ये खाने के साथ जो मुंह के अंदर था उसमें पूरा लिपट गया इस तरीके से, लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, और ये बॉल गई नीचे पेट में। ठीक है, जैसी पेट में पहुंची, पेट कैसा था, एसिडिक, एसिड मिलते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा और फैट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक्टिवेटेड इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक एंड दस स्टार्ट टू वर्क आफ्टर फूड इज स्वेलोड, तभी काम करना शुरू करता है जब खाना निगल लिया जाए। इट ब्रेक्स डाउन डाइट्री ट्राइग्लिसराइड्स, ये क्या करता है, इसका काम समझ लो, डाइट्री ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि हम लोग जितना भी फैट खाते हैं, तेल खाते हैं, है ना, मोमोज का, फिंगर का, चिप्स का, घी भी, जो भी खा रहे हो, ठीक है, वो जो फैट खा रहे हो या ऑयल खा रहे हो परांठे का,
उसके अंदर जो फैट होते हैं, दिमाग से यहां सुन लो, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वो फैट ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होता है, ठीक है। और वो जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है जब ब्रेक करेगा अल्टीमेटली फैटी एसिड्स एंड डाइग्लिसराइड्स में ब्रेक कर जाता है। किसमें ब्रेक करेगा? फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स। अब इनका भी आगे का मेटाबॉलिज्म है वो कहां पढ़ोगे? सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है, कि ये फाइनली किस तरह टूटते, फिलहाल बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ये हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एब्जॉर्ब होकर के चले जाएंगे हमारे ब्लड में, ठीक है, चले जाएंगे हमारे ब्लड में। तो हो गया, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड में टूटना है, फैट और ऑयल यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स को किस में टूटना होता है? फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स में। दीज आर वन मास क्वेश्चंस। ओके, तो अब एक बात समझ में आ गई, मुंह के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है और जो लिंगुअल लाइपेज है वो क्या करेगा? फैट को तोड़ेगा लेकिन पेट के अंदर जाकर के। यहां तक हमारी कहानी खत्म हो गई, मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन इन द माउथ क्लियर हो गया। यहीं पे पॉज करेंगे वीडियो को, फटाफट एक बार इसको देख लेंगे, कुछ ही नोट करी तो उसे अच्छे समझ लेना, क्योंकि आगे भागते चले जाओगे ना फिर मैं पकड़ नहीं पाओगे कहां पे क्या चीज थी, कहां पे क्या चीज थी। यहां पे वीडियो पॉज कर लो और इसको एक बार फिर से देख लो अच्छे से। अब हम लोग देखने के बाद वापस से आगे बढ़ते हैं, नंबर टू, डाइजेशन इन स्टमक। ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, फिर इंटेस्टाइन में तो बहुत ही बड़ी चीजें हो जाती हैं। अब बड़ी मतलब लंबे लेवल का खेल होता है वहां पर। स्टमक के अंदर भी मैकेनिकल डाइजेशन, स्टमक में दांत तो है नहीं, अब खाना वहां कैसे चबाया जाएगा, सोचा है? आओ देखते हैं। नाउ द वेव्स ऑफ पेरिस्टाल्सिस पास। अब पेरिस्टाल्सिस पढ़ा चुका हूं मैं, पेरिस्टाल्सिस की जो वेव होती है वो पास ओवर द स्टमक एवरी 15 to 25 seconds, वो स्टमक से होकर गुजरती रहती है हर 15 to 20 seconds में। ईच पेरिस्टाल्टिक वेव मूव्स गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्टमक। स्टमक की बॉडी, स्टमक का स्ट्रक्चर याद है, ठीक है ना? ये क्या था? फंडस, ये बॉडी याद आया? ओके, तो ईच पेरिस्टाल्टिक वेव मूव्स गैस्ट्रिक कंटेंट, जो वेव आती है वो गैस्ट्रिक कंटेंट यानी कि पेट का जो कंटेंट होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्टमक, स्टमक की जो बॉडी है वहां से मूव कराता है डाउन टू द एंट्रम। एंट्रम ये आगे आगे किनारे की तरफ स्ट्रक्चर याद है ना? अ प्रोसेस नोन एज प्रोपल्सन। डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज प्रोपल्सन? ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक वेव क्या कर रही है? खाने को बॉडी से एंट्रम की तरफ मूव करा रही है। द पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, देखो सारे टर्म्स पुराने आ रहे हैं अब, जनरली ऑलमोस्ट बट नॉट कंप्लीटली, लगभग पूरा, जनरली ऑलमोस्ट, लगभग बट पूरा नहीं, बंद रहता है। मतलब जो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है, जैसे मान लो मैंने बताया था, अगर उसका मुंह इतना बड़ा है तो पूरा बंद नहीं रहेगा, हल्का सा खुला रहता है, जिससे थोड़ा बहुत खाना जो होगा वो आगे पास होगा। तो सुनो इसका फायदा क्या है, बिकॉज मोस्ट फूड पार्टिकल इन स्टमक इनिशियली आर टू लार्ज। भाई मुंह से आया है, काफी बड़ा बड़े पार्टिकल हैं उस पाइलोरिक इंस्फिंक्टर के अंदर से गुजरने के लिए, काफी बड़े हैं, टू पास थ्रू द नैरो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, दे आर फोर्स्ड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द स्टमक, अ प्रोसेस रेफर टू एज रिट्रोपल्सन। अब देखो हो क्या रहा है, यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं, बनाता हूं, रिट्रोपल्सन आ गया, ठीक है, यहां पे हम मान लेते हैं। यहां से देखो फूड था, ये फूड है, फूड फूड फूड, ये फूड यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां पर आ गया। अब ये फूड क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ये आगे जाना चाहता है, नहीं जा पाएगा, तो यहां से क्या होगा, इसको बैक धकेला जाता है, इसको ऐसे बैक फेंक दिया जाएगा, चलो भैया वापस, फिर ये यहां से थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा जो भी कुछ हो, फिर आगे आएगा, फिर अगर बड़ा है तो फिर बैक भेजा जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर बड़ा है तो फिर बैक भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, आगे ढकेलना, बड़ा है तो वापस जाओ, छोटे हो गया आओ, छोटा है तो फिर आगे निकल जाएगा, बड़ा है तो फिर वापस ढकेला जाएगा। तो जब आगे ढकेला जा रहा है तो प्रोपल्सन, और जब पीछे ढकेला जा रहा है तो रिट्रोपल्सन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो इसका क्या हो रहा है। ओके, अब इसने क्या कहा, अगर वो बहुत बड़ा है, पास थ्रू द नैरो इंस्फिंक्टर, दे आर फोर्स्ड बैक, उनको जबरदस्ती धक्का देके पीछे भेजा जाता है टू द बॉडी ऑफ द स्टमक, अ प्रोसेस रेफर टू रिट्रोपल्सन। प्रोपल्सन हुआ, रिट्रोपल्सन हुआ, अब क्या हो रहा, अनदर राउंड ऑफ प्रोपल्सन देन ऑकर, फिर उसके बाद वापस से प्रोपल्सन होता है, मूविंग द फूड पार्टिकल बैक डाउन इनटू द एंट्रम,
फिर से वो एंटरम की तरफ ढकेला जाता है। इफ द फूड पार्टिकल आर स्टिल टू लार्ज, अगर फूड पार्टिकल अभी भी बहुत बड़ा है टू पास थ्रू द पायलोरिक स्फिंक्टर, पायलोरिक स्फिंक्टर से गुजरने के लिए, देन अगेन रिट्रोपल्शन ऑकर, ठीक है, अगेन एज द पार्टिकल आर स्क्वीज्ड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द स्टमक, आगे ढकाया फिर ढकेला, आगे आया फिर ढकेला, देन येट अनदर राउंड ऑफ प्रोपल्शन ऑकर एंड द साइकिल कंटिन्यू टू रिपीट, लगातार ही होता रहता है, साइकिल चल रही है। द नेट रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से हो क्या रहा है, नेट रिजल्ट ऑफ दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स की वजह से आगे ढकेला पीछे ढकेला आगे ढकेला पीछे ढकेला मूवमेंट इज दैट गैस्ट्रिक कंटेंट्स आर मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस, जो पेट के अंदर खाना था गैस्ट्रिक कंटेंट वो बहुत अच्छी तरीके से गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या क्या होता है, उसके अंदर HCl एसिड होगा, कुछ एंजाइम्स वगैरह होंगे, उनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा एंड इवेंचुअली अंततः बिकमिंग रिड्यूस टू सोपी लिक्विड, और इस तरीके से धीरे धीरे ये एंजाइम वगैरह सब उसमें काम करेंगे और बार बार टकराएगा वो और भी ज़्यादा पतला होता चला जाएगा और सूप, सूप देखा ना गाढ़ा गाढ़ा सा होता है एकदम गाढ़े लिक्विड जैसा, तो ये आखिरकार सूपी लिक्विड में बदल जाता है, सूप जैसे लिक्विड में, एंड कॉल्ड काइम, कुछ लोग इसे चाइम भी बोलेंगे, जो मन करे वो पढ़ो, हमें याद रखने से मतलब है, ठीक है, काइम, ओके। तो आखिरकार हुआ क्या, ऊपर आप देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, मुंह के अंदर क्या था, बोलस, बोलस से किसमें बदल गया, काइम, अब ये काइम आगे चलता रहेगा। तो काइम कहां पाया जाता है, पेट के अंदर, कैसे बनता है, प्रोपल्शन और रिट्रोपल्शन की वजह से, बात समझ में आ गई। तो उसकी वजह से जो हमारा बोलस था वो एक सूपी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एक सूप जैसा लिक्विड, अब वो जो लिक्विड सूप जैसा लिक्विड हो गया है वो इस एंट्रम, जो एंट्रम का बहुत छोटा सा छेद है, इसके अंदर से गुजरता हुआ डियोडरम के पास पहुंच जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ डियोडरम, स्टमक, जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग में सेट होंगे, अगर सेट नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बेटा सामने रखो, जिससे कि जो जो वर्ड मैं बोलता जाऊँ उसको तुम समझते चलो, अदरवाइज समझने में दिक्कत आएगी। क्लियर है, चलें आगे, ओके, सूपी लिक्विड हो गया, चाइम बन गया हमारा। वंस द फूड पार्टिकल इन चाइम आर स्मॉल इनफ, जब जो फूड पार्टिकल हमारा चाइम में बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, दे कैन पास थ्रू द पायलोरिक स्फिंक्टर, अब वो पायलोरिक स्फिंक्टर को पास कर सकते हैं, एंड फूड पासेस टू डियोडोनम, अब फूड जो है वो डियोडोनम में पास हो जाएगा, चला जाएगा। दिस फिनोमिनन नोन एज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, अगेन वन मार्क्स क्वेश्चन, डिफाइन गैस्ट्रिक एम्पटिंग, वो जो पेट से खाना चाइम में बदल करके पायलोरिक स्फिंक्टर से होकर के डियोडोनम में चला जा रहा है, ऐसे लिखो या सीधा बोलो, पेट का चाइम काइम जब पेट से निकल करके डियोडोनम में चला जाएगा तो पेट खाली हो गया, और वो खाली होने के लिए एम्प्टी वर्ड आया, और गैस्ट्रिक मतलब पेट, पेट खाली हो गया, गैस्ट्रिक एम्पटिंग कहलाता है ये वाली प्रोसेस, ठीक है ना। गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज ए स्लो प्रोसेस, बहुत धीमी प्रोसेस है, एकदम ये सब बता दिया मैंने, बहुत धीमे धीमे होता है ये। ओनली अबाउट 3 ml ऑफ चाइम मूव थ्रू द पायलोरिक स्फिंक्टर एट ए टाइम, एक बार में लगभग सिर्फ 3 ml चाइम ही बाहर निकल पाता है, तो 2-3 घंटा लग जाता है पेट को खाली होने में। यहां तक बात क्लियर हो गया, तो किस तरीके से पेट ने मैकेनिकल डाइजेशन किया, धक्का मारा वापस बुलाया, धक्का मारा वापस बुलाया, डेट इज मैकेनिकल डाइजेशन, ओके। अब केमिकल डाइजेशन, यानी कि उस काइम के अंदर जो खाना है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उनमें से पेट किस किस चीज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, केमिकली उसको तोड़ना शुरू करेगा, आओ समझते हैं। तो देखो ये डायग्राम को मत देखो अभी यहां आ जाओ, हाँ डायग्राम चलो देख लेते हैं, मैं समझा देता हूं ताकि यहां पर जरूरत ना पड़े। ये जो है ना बेटा, ये है हमारे पैराइटल सेल्स, सुना होगा पेट के अंदर क्या पाए जाते हैं, पैराइटल सेल्स, पूरा डायग्राम नहीं देखना है सिर्फ समझ लो, ये पैराइटल सेल्स है कुछ त्रिशूल जैसा, ठीक है, त्रिशूल जैसा है ये, इधर पे इसका मुंह खुला हुआ है, यहां पर हम कह सकते हैं ये ल्यूमेन मतलब कैविटी है, यहां पर क्या हमारे पास फूड मौजूद है इस तरफ। अब देखो हो क्या रहा है, पैराइटल सेल से हमारे को क्या मिल रहा है, इसका कुछ भाग एच प्लस को इधर सिक्रीट कर देता है और कुछ भाग Cl- को सिक्रीट करता है, इसी सेल का एक हिस्सा H+ बाहर निकाल रहा है और इसी सेल का दूसरा हिस्सा Cl- बाहर निकल रहा है, और ये दोनों कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं, HCl। तो पैराइटल सेल HCl सिक्रीट नहीं करते, दे सिक्रीट H+ आयंस एंड Cl- आयन सेपरेटली, अलग अलग,
और बाहर निकलने के बाद ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है बातें? ओके आगे आते हैं, अब इसके ऊपर बातें करेंगे बाद में, फिलहाल हमें इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी जितनी जरूरत थी बस ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना, समझाने के लिए दिखाया पहले, ठीक है ना। आगे आते हैं, फूड में रिमेन इन द फंडस, फूड फंडस में काफी टाइम तक रहता है, फॉर अबाउट एन आवर, लगभग एक घंटे के लिए, मतलब वहां से आ गया, ठीक है, जो ऊपर इसोफेगस से आकर के फंडस में आकर के इकट्ठा हो जाता है एक तरह से, विदाउट बिकमिंग मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस, और फंडस में लगभग एक घंटा रहता है और गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl वगैरह से मिक्स नहीं करता है, पड़ा हुआ है फंडस में, वहां हो क्या रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय फंडस, पता है ना बेटा, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, डायग्राम लेके बैठो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि डायग्राम या फंडस वाला पार्ट था ये, ठीक है ना, डायग्राम तुम्हें आना चाहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम डाइजेशन बाय, अब देखो, लिंगुअल लाइपेज, डाइजेशन बाय सलिवरी अमाइलेज फ्रॉम द सलिवरी ग्लैंड्स कंटिन्यू, यानी कि सलिवरी ग्लैंड्स अभी भी यहां पर काम कर रहा है जब तक ये फंडस में मौजूद है, जब तक कहां मौजूद है, फंडस में। बेटा बहुत आराम से समझा रहा हूं, समझते जाना, समझ में नहीं आएंगी नहीं तो चीजें। ड्यूरिंग दिस टाइम डाइजेशन बाय सलिवरी अमाइलेज फ्रॉम द सलिवरी ग्लैंड्स कंटिन्यू, लगातार चल रहा है, सून, जल्द ही द चर्निंग एक्शन, चर्निंग एक्शन एक तरह, मान लो एक तरह हिलने डुलने वाला मोशन है उसका, चर्निंग एक्शन मिक्सेस काइम विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, पेट के अंदर आते ही क्या बन गया, वो काइम बन चुका है। और अब हो क्या रहा है, जैसे ही चर्निंग एक्शन होगा तो जो फूड पेट के अंदर आ गया है वो जल्द ही गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाएगा। गैस्ट्रिक जूस के साथ जैसे ही मिलेगा तो गैस्ट्रिक जूस कैसा है, HCl मौजूद है, एसिडिक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सलिवरी अमाइलेज है, इनएक्टिवेटिंग सलिवरी अमाइलेज एंड एक्टिवेटिंग लिंगुअल लाइपेज, जो मैं बता रहा था ऊपर कि लिंगुअल लाइपेज को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है ना। तो लिंगुअल लाइपेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि अब फैट डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय द टंग एंड स्टार्ट डाइजेस्टिंग ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड। तो बात समझना, सलिवरी अमाइलेज एसिडिक मीडियम में मर जाता है, उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, लिंगुअल लाइपेज की एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अब स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन रुक गया है और फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। आगे बढ़े, although यद्यपि parietal cell secretes hydrogen ion and chloride ion separately, वो दोनों अलग अलग separately इसको छोड़ते हैं into the stomach lumen, lumen मतलब cavity, ठीक है, cavity मतलब जो उसका छेद है, गुफा है, ठीक है, the net effect is secretion of HCl, इसका net effect क्या होता है कि HCl क्या होता है, पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। HCl secretion by parietal cell can be stimulated by several sources. अब ये HCl secrete करना है, कब नहीं करना है, हमेशा थोड़ा करना है, एसिड बन जाएगा पेट में। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो HCl के secretion को stimulate करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, एसिटाइल कोलीन रिलीज बाय पैरासिंपथेटिक न्यूरॉन्स, गैस्ट्रीन सिक्रेटेड बाय जी सेल्स, ठीक है, एंड हिस्टामिन रिलीज बाय मास्ट सेल इन नियर बाय लैमिना प्रोप्रिया, जो इसके बगल में एक तरह से स्केलो सेल की लेयर है, ठीक है, हिस्टामिन, गैस्ट्रीन और एसिटाइल कोलीन, इसके रिसेप्टर्स यहाँ लगे होते हैं, ये आकर के इसके रिसेप्टर से चिपकेंगे इस तरीके से आकर के, और इधर पे क्या कर देंगे, H प्लस और Cl माइनस को रिलीज होने के लिए एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पीछे इसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं हिस्टामिन के लिए, गैस्ट्रीन के लिए और एसिटाइल कोलीन के लिए। क्लियर है बातें, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये जितने भी ये सब चीजें हैं कि HCl सिक्रेशन को कौन स्टिमुलेट करता है, एसिटाइल कोलीन, ठीक है, गैस्ट्रीन एंड हिस्टामिन, तीन चीजें इसको एक्टिवेट करती हैं। अब एसिटाइल कोलीन एंड गैस्ट्रीन स्टिमुलेट पैरेटल सेल टू सिक्रेट मोर HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टामिन, ठीक है ना, तो हिस्टामिन की मौजूदगी में वो उसको एक्टिवेट करते हैं कि और ज्यादा HCl निकालो। इन अदर वर्ड हिस्टामिन एक्ट सिनर्जिस्टिकली इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलीन एंड गैस्ट्रीन, या इसको उल्टा कहा जाए, हिस्टामिन एसिटाइल कोलीन और गैस्ट्रीन के इफेक्ट को बढ़ावा देता है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हिस्टामिन कह रहा है अच्छा तुम आ जाओ मिलकर निकालेंगे, वो कह रहा है एसिटाइल कोलीन गैस्ट्रीन कह रहा है अच्छा तुम आ गए चलो मिलकर हम HCl को बाहर निकालें, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ध्यान रखना, तीन, एसिटाइल कोलीन, गैस्ट्रीन एंड हिस्टामिन, केवल नाम याद रखना, बाद बाकी चाहो तो इस पॉइंट को काट सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से फैक्टर है वो याद रखना है।
रिसेप्टर फॉर ऑल थ्री सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पैरेटल सेल्स, है ना। इन तीनों के रिसेप्टर्स यहाँ लगे हुए हैं। जैसे रिसेप्टर्स पे ये सिग्नल आ गया, केमिकल लगे आकर के, यहाँ से HCl निकलना स्टार्ट हो गया। आगे आते हैं, द स्ट्रांगली एसिडिक फ्लूड ऑफ द स्टमक, जो स्टमक के अंदर बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक फ्लूड है यानी कि HCl है, किल्स मैनी माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स को किल कर देता है जो कि खाने के अंदर पाए जाते हैं। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पार्शली डीनेचर्स, याद आया प्रोटीन का, मेरे ख्याल से अभी तक तुम लोगों ने प्रोटीन नहीं, प्रोटीन तुम पढ़ोगे आई थिंक सेकेंड ईयर में, कोई बात नहीं। प्रोटीन जो होती है एसिड की प्रेजेंस में डीनेचर हो जाती है, खुल जाती है, उधड़ जाती है, ऐसे मान लो ये फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो प्रोटीन का ही एंजाइम भी बना होता है, तो वो एंजाइम भी उधड़ जाएगा यानी कि वो काम करना बंद कर देगा, सिंपल सा फंडा ये समझो। डीनेचर्स यानी कि अनफोल्ड करता है प्रोटीन इन द फूड, खाने का, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ठीक है ना। अब समझो बात को, जो एसिड निकल के आ गया है पेट के अंदर वो क्या काम कर रहा है, माइक्रोब्स को किल कर रहा है, ठीक है। जो प्रोटीन है हमारे खाने के अंदर उसको उधेड़ दे रहा है, खोल दे रहा है, और साथ साथ में कुछ हार्मोन्स हैं कॉलिसिस्टोकाइनिन, CCK एंड सिक्रेटिन, इनको क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये हार्मोन क्या करते हैं, प्रमोट द फ्लो ऑफ बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस। ये देखो सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एसिड निकलना स्टार्ट हुआ यानी कि खाना आते ही सिग्नल मिल गया कि खाना आ चुका है, सारी तैयारी करना शुरू करो। खाना आ गया, चलो एसिड निकालो, एसिड निकल गया। अच्छा एसिड आ गया, सिग्नल मिल गया, इन दोनों ने जाकर कहा अरे भैया सिग्नल आ रहा है, HCl बाहर निकल रहा है, चलो फटाफट बाइल और पेंक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करो, उनको भी निकलना है। तो सारी प्रोसेस साइड बाय साइड स्टार्ट हो रही है क्योंकि खाना आ चुका है, उसको पचाना है, ठीक है। आगे आते हैं, चलो। एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आल्सो बिगिंस इन द स्टमक, प्रोटीन का डाइजेशन भी शुरुआत हो जाता है स्टमक के अंदर। यानी कि ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन फिलहाल नहीं हो रहा है, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो चुका है। द ओनली प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेट के अंदर, एक तो लिंगोलाइपेस काम कर रहा था लिपिड को तोड़ने के लिए, दूसरा एक प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है स्टमक के अंदर, दैट इज कॉल्ड पेप्सिन, ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स। ये मार्क करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 1 मार्क्स का, कि ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, HCl कौन सिक्रेट करता है, पैरेटल सेल। पेप्सिन कौन सिक्रीट करता है, चीफ सेल्स ऑफ स्टमक, है ना, उसी की लेयर में पाए जाते हैं, अंदर की जो लेयर होती है ना उसके स्टमक की, जो म्यूकोसा वाली, उसमें पाए जाते हैं ये। पेप्सिन इज मोस्ट इफेक्टिव इन वेरी एसिडिक एनवायरनमेंट, तो पेप्सिन ना सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करता है यानी कि स्टमक के अंदर ही काम करेगा। जैसे इंटेस्टाइन में आएगा वहां पे मीडियम कैसा होता है, बेसिक, वहां वो काम नहीं करेगा, देखेंगे अभी आगे, ठीक है। pH 2 लगभग pH 2 यानी कि 1.8 के अप्रोक्स हम कह सकते हैं, इट बिकम्स इनएक्टिवेट एट हायर pH। हायर pH मतलब क्या हो गया, बेसिक मीडियम हो गया, हायर pH का मतलब क्या हो गया, मीडियम बेसिक हो गया, तो वहां पर ये इनएक्टिवेट हो जाता है। अब जरा बात समझेंगे, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। अब यहां पर एक सवाल बताओ मेरे को, हमारी बॉडी सेल्स टिश्यू हर एक चीज प्रोटीन की बनी हुई है, तो ये पेप्सिन हमारे पेट के सेल्स जो कि प्रोटीन के बने हुए उनको ही क्यों नहीं खा जाता है, टिश्यूज को खा जाए, सेल्स को खा जाए, छेद कर देगा पेट में, लेकिन ये पेप्सिन नहीं करता ऐसा पेट में, क्यों, आखिर ऐसा क्या है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कीप्स पेप्सिन फ्रॉम डाइजेस्टिंग द प्रोटीन इन स्टमक, कौन सी क्या चीज है जो पेप्सिन को दूर रखती है डाइजेस्टिंग द प्रोटीन इन स्टमक सेल्स अलॉन्ग विद द फूड। वो केवल फूड के ही प्रोटीन को खा रहा है, सेल के जो प्रोटीन है या सेल को नहीं खा रहा है, ऐसा क्या है, ऐसा कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहा है पेप्सिन, तो आओ जाने समझें। तो इसके 2 कारण हैं, पेप्सिन ऐसा कैसे करता है कि क्यों वो केवल खाने के प्रोटीन को खाता है, हमारे सेल्स में टिश्यूज में जो प्रोटीन मौजूद है उनको नहीं खा रहा है। फर्स्ट, सबसे पहले, पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होती है, ठीक है, कॉल्ड पेप्साइनोजेन, पेप्साइनोजेन के रूप में सिक्रेट होती है। इन दिस फॉर्म, इस रूप में इट कैन नॉट डाइजेस्ट द प्रोटीन, जब इनएक्टिव फॉर्म में है पेप्साइनोजेन के रूप में है तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करती है, ठीक है, ओके, दैट प्रोड्यूस इट, ठीक है। तो चीफ सेल के द्वारा इनएक्टिव फॉर्म पेप्साइनोजेन के रूप में ये सिक्रेट किया जाता है। पेप्साइनोजेन इज नॉट कन्वर्टेड इंटू एक्टिव पेप्सिन अंटिल इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl कब आएगा, जब हम खाना खाएंगे तभी HCl सिक्रीट होता है। तो जब तक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में नहीं आएगा पेप्साइनोजेन, तब तक वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा,
ठीक है, सीक्रेट बाय द पैरेटल सेल्स और एक्टिव पेप्सिन मॉलिक्यूल। ओके, कहानी समझ में आ गई। सेकंड दूसरा रीजन क्या है, द स्टमक एपिथेलियल सेल्स, जो स्टमक के सबसे ऊपर के सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस। वो गैस्ट्रिक जूसेस यानी एसिड वगैरह से प्रोटेक्शन होता है उनको बाय अ लेयर ऑफ 1 to 3 millimeter थिक ऑफ अल्कलीन म्यूकस। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, सीक्रेटेड बाय सरफेस म्यूकस सेल्स एंड म्यूकस नेक सेल। जो म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, अपने गॉबलेट सेल भी होते हैं जो म्यूकस छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं सरफेस के ऊपर, ऐसे मान लो स्टमक है तो यहाँ पे ना ऐसे लिक्विड छोड़ते रहेंगे, तो वो पूरी एक परत चढ़ी रहती है किसकी, म्यूकस की। ये म्यूकस की परत होने की वजह से जो भी यहां पर एंजाइम है वो डायरेक्ट सेल के टच में नहीं आएगा, जो भी यहां पर एसिड है वो डायरेक्ट सेल के टच में नहीं आता, वो म्यूकस के ऊपर रहता है। बात समझ में आ गई। तो इन दो तरीकों से क्या होता है, पेप्सिन हमको नुकसान पहुंचाता है, साथ साथ में जो एसिड है वो भी हमारे पेट के सेल्स को डैमेज नहीं करता है। ठीक है, अब ये कई बार म्यूकस कम होता है तो एसिड जाके पेट से टकराता है, तो जलन मचती है पेट में और फिर दिक्कतें पैदा होती हैं। क्लियर होगी बातें, आगे आते हैं, पेप्सिन की बात खत्म होगी। एक और एंजाइम देखो, लिंगुअल लाइपेज आया था माउथ से, पेप्सिन पेट के अंदर ही था। एक और एंजाइम है स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक लाइपेज है ना, तो स्टमक के अंदर प्रोटीन और फैट दोनों डाइजेस्ट हो रहे हैं, विच स्प्लिट्स ट्राइग्लिसराइड्स। गैस्ट्रिक लाइपेज भी क्या कर रहा है, तोड़ता है ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स एंड ऑयल्स इन फैट मॉलिक्यूल सच एज दोज फाउंड इन मिल्क। ठीक है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज है जो कि जैसे मिल्क के अंदर पाए जाते हैं फैट के मॉलिक्यूल, उनको तोड़ रहा है इनटू फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। ये फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ रहा है डायरेक्ट, ध्यान रखना। दिस एंजाइम विच हैज अ लिमिटेड रोल इन द अडल्ट स्टमक, इसका जो रोल है गैस्ट्रिक लाइपेज का वो अडल्ट के स्टमक में इतना ज्यादा नहीं है, बच्चों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। ऑपरेट बेस्ट एट अ पीएच ऑफ 5 to 6, ये सबसे अच्छा काम किस पीएच में करेगा, 5 to 6, यानी कि पेट के अंदर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज लेकिन वहां पर उतना बढ़िया काम ना करके थोड़ा सा इंटेस्टाइन में जाएंगे तब ज्यादा अच्छा काम करेगा। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक, स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। डाइजेशन तो समझ में आ गया, डाइजेशन किसका था, गैस्ट्रिक लाइपेज ने फैट को डाइजेस्ट किया, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ना के बराबर है स्टमक के अंदर, बिकॉज इट्स एपिथेलियल सेल्स आर इम्परमेबल टू मोस्ट मटेरियल। इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सेल्स की, वो बहुत सारे मटेरियल के लिए इम्परमेबल है, उसके अंदर नहीं घुस सकते। हाउएवर, हालांकि जो म्यूकस सेल्स ऑफ द स्टमक हैं एब्जॉर्ब सम वाटर आयन, जो म्यूकस सेल है वो कुछ पानी, आयन, शॉर्ट चेन फैटी एसिड एज वेल एज सर्टन ड्रग स्पेशली एस्प्रिन वगैरह एंड अल्कोहल, है ना, ये सब चीजें क्या होता है इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही वजह है अल्कोहल पेट के अंदर जाकर के क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो लोग अल्कोहल पीते हैं तो उनके पेट में कई बार दिक्कतें रहती हैं क्योंकि पेट से ही वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कई बार सुना होगा कुछ लोग कहते हैं खाली पेट दारू पियो, अल्कोहल लो, तो बहुत जल्दी नशा चढ़ जाता है उसका, है ना, कुछ लोग सुना होगा कि कुछ खा के लोगे तो नशा नहीं होता, क्योंकि एक लेयर आ चुकी होती है पेट के ऊपर खाने की और फिर आप ड्रिंक करते हैं तो अल्कोहल उतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती है। अब विद इन 2 to 4 hours आफ्टर ईटिंग अ मील, 2 to 4 hours के बाद खाना खाने के, द स्टमक हैज एम्प्टीड एज कंटेंट इन टू द ड्यूडेनम। लगभग 2-4 hours में जो हमने ऊपर देखा था वो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग वाला पार्ट पड़ा था, ये सारा खाना एम्प्टी हो जाता है, ड्यूडेनम में चला जाता है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक क्वेश्चन है, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट स्पेंड द लीस्ट टाइम। अगर तुमने केवल कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना खाया है तो बहुत जल्दी से स्टमक को क्रॉस करेगा, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट होता ही नहीं स्टमक में, ठीक है, तो बहुत जल्दी से खिसक जाएगा आगे। ठीक है, अगर हाई प्रोटीन फूड खाया है तो कुछ देर के लिए स्टमक में रुकेगा, मतलब अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना खाया है तुमने, जैसे तुम लोग कई बार चावल खा लेते हो तो पेट एकदम जल्दी खाली हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर तुम केवल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो हो सकता है 1/2 to 1 hour के अंदर पेट खाली सा हो जाए। प्रोटीन वाला फूड खा रहे हो तो हो सकता है 1.5 hours लग जाए, 2 hours लग जाए, 2.5 hours लग जाए। अगर खा रहे हो, एम्प्टिंग इज स्लोएस्ट आफ्टर अ फैट लेडन मील, अगर कुछ ऐसा फूड खा रहे हो जिसके अंदर जो फैट से भरा पड़ा है ना, जिसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड, तो वो क्या है, बहुत धीमा धीमा लगभग 3-4 hours हो जाता है तब जाकर के वो पेट खाली होता है ना। देखा होगा जब जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं या तुमने बहुत पकौड़े वगैरह खा लिए हैं,
तो पेट काफी टाइम तक भरा भरा रहता है क्योंकि उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे पचता है और फिर खाली करता है। क्लियर है बातें? तो ये भी एक तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताओ, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट सबसे कम समय बिताता है पेट के अंदर, देन प्रोटीन एंड देन फैट। बात यहां तक समझ में आ गई। अब अपने पास आ रहा है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, बम्पर वाली चीज है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बेटा फिर कह रहा हूं मैं, यहां बड़े आराम से चीजों को कॉपी पेन नोट करते हुए चलना, ठीक है ना, जिससे कि चीजें एग्जैक्टली समझ में आती रहें। चलें, चलो अब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन देखें जरा क्या है। रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस एंड ब्रस्ट बॉर्डर एंजाइम। अब यहां पर थोड़ा सा पहले हम एक पार्ट पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइनल जूस यानी कि इंटेस्टाइन के द्वारा जो लिक्विड छोड़ा जा रहा है जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। और ये ब्रस्ट बॉर्डर क्या चीज है और ये ब्रस्ट बॉर्डर एंजाइम क्या चीज है, बार बार इसका जिक्र आएगा, ठीक है, तो आओ समझ लें। तो देखो, ब्रस्ट बॉर्डर से मैं एक बात बताऊं, विलाई तुम लोगों ने देखे होंगे, मतलब डायग्राम देखा होगा। इस विलाई के ऊपर जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ना, ये वाली, ये सेल्स देख रहे हो, इनको हम लोग कहते हैं एंटेरोसाइट सेल्स। क्या कहते हैं? एंटेरोसाइट सेल्स या एब्जॉर्प्टिव सेल्स। क्या कहते हैं? एंटेरोसाइट सेल्स या एब्जॉर्प्टिव सेल्स, ध्यान रखना, है ना। विलाई का कॉन्सेप्ट मैंने समझा चुका हूं मैं। और इनके ऊपर एक बहुत हेयर टाइप स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ये हो गया विलाई। फिर इसके ऊपर और इनके हर एक सेल के ऊपर और छोटे 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 रोग पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ आइडिया लग गया, विलाई, ठीक है, सिंगल को वायलस कहते हैं। अब इसका और एक डायग्राम दिखाऊंगा मैं, ठीक है, और ये माइक्रोविलाई आ गया। पढ़े बेटा पुराना लेक्चर जरूर पढ़ लेना ध्यान से, आगे आते हैं। तो क्या कह रहा है, अबाउट 1 to 2 liter of intestinal juice, लगभग 1 to 2 liter intestinal juice, a clear yellow fluid, एक पीला पीला fluid होता है, is secreted each day, लगभग 2 liter, रोज इतना juice निकलता है हमारे intestine से खाने को पचाने के लिए, ठीक है। Intestinal juice, देखो बेटा यही होता है इसका, यहां से तुम एक चीज बता दो, तुमने देखा पेट के अंदर भी लिक्विड हमारा मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आधा पौन घंटा या एक घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होगा, जो ये जूस मतलब जो ये लिक्विड छोड़ा जाता है डाइजेशन करने के लिए, वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो पानी के बहाव के साथ चला जाएगा, खाना उतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा और वो डाइजेस्ट नहीं होगा। यही वजह है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, गले में फंसता है, एक आध घूंट चल जाता है, ग्लास भर के पानी नहीं पीना चाहिए। क्लियर है? आगे आते हैं। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन वाटर। इस जूस के अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, म्यूकस होता है, और स्लाइटली ये अल्कलीन होता है, हल्का सा बेसिक होता है, अल्कलाई होता है, ये पीएच चला जाता है 7.6 तक। द अल्कलीन पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इज ड्यू टू इट्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। मार्क करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस हमारा अल्कलीन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं। ओके, टुगेदर पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस, दोनों पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस दोनों को मिला करके, पैंक्रियाटिक जूस की हमने बात की थी, ठीक है ना, अभी यहाँ नहीं की थी, पिछले लेक्चर में की थी, अभी यहाँ पे वापस करेंगे। टुगेदर पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस प्रोवाइड अ लिक्विड मीडियम, एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं दोनों मिलकर के, डैट जो कि एड्स सहायता करते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम काइम, जो काइम आ रहा है ऊपर से उसके अंदर से सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब द एपिथेलियम ऑफ द विलाई इज मेड अप ऑफ टॉल कॉलमनर एब्जॉर्प्टिव सेल्स कॉल्ड एंटेरोसाइट। इसका जिक्र भाई बार बार आएगा। तो कह रहा है एपिथेलियम ऑफ विलाई इज मेड अप ऑफ टॉल कॉलमनर एब्जॉर्प्टिव सेल्स। जो एपिथेलियम है वो एक लंबे लंबे कॉलमनर सेल्स से बने होते हैं जिसको हम एब्जॉर्प्टिव सेल्स या एंटेरोसाइट्स कहते हैं। इन्हीं को हम लोग द ब्रस्ट बॉर्डर ऑन द एपिकल सर्फेस ऑफ द एंट्रोसाइट विच इज ड्यू टू द माइक्रोविलाई। इसी के ऊपर ये ब्रस्ट बॉर्डर, इसके बॉर्डर कैसे हैं, ब्रश, जैसे ब्रश के ऊपर रेशे रहते हैं ऐसे इसके ऊपर रेशे है, तो हमने ब्रश बॉर्डर बोल दिया, ठीक है। और इन ब्रश बॉर्डर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। एंड गोबलेट सेल्स, ठीक है ना, यहीं पर गोबलेट सेल्स भी मौजूद होते हैं, जगह जगह पे गोबलेट सेल्स होंगे, ठीक है, विच सिक्रीट म्यूसिन
फॉर लुब्रिकेशन। तो बात समझ में आ गई, एब्जॉर्प्टिव सेल्स एंट्रोसाइट है और गॉबलेट सेल पाए जाते हैं जो कि म्यूसिन सिक्रीट करते हैं जो कि लुब्रिकेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट, जो इंटेस्टाइन के अंदर खाना आ गया है, ठीक है, काइम आ गया है, उसको लुब्रिकेट करता है एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एपिथेलियम, जिससे कि खाने की रगड़ ना लगे यहाँ पर और जख्म ना हो तो उसको बचाने के लिए। तो गोब्लेट सेल का काम क्या है, म्यूसिन सिक्रीट करता है जो कि एक तरह का म्यूकस ही है, लुब्रिकेशन में काम आता है। तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसके फंक्शन पढ़े, रोल ऑफ इंटेस्टाइन एंड ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अब थोड़ा सा और देखिए आगे क्या है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम की बात और करें। द एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एब्जॉर्प्टिव सेल, अब जब एब्जॉर्प्टिव सेल्स बोलूंगा बेटा तो ये एंट्रोसाइट्स हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स विलाई के ऊपर पाए जा रहे हैं, ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स, ठीक है ना। द एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सिंथेसाइज सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सेल्स भी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिंथेसाइज करता है और इनको हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि ये इन एंजाइम को इंसर्ट कर देता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो रेशे हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में उन एंजाइम को जाकर के छोड़ देता है। Thus some enzymatic digestion occur at the surface of the absorptive cell. इसीलिए कुछ digestion जो होता है वो इसके surface, यानी कि absorptive cells के surface पे भी होता है, that lines the villi, जिसने villi को cover किया हुआ है, rather than in the lumen. तो कुछ digestion lumen में हो जाता है, जैसे मान लो ये intestine है, कुछ digestion यहाँ चल रहा है और जो villi है कुछ digestion इसके ऊपर चल रहा है। क्लियर है? अब Among the ब्रश बॉर्डर enzymes, अगर हम बात करें ब्रश बॉर्डर एंजाइम की, देयर आर फोर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, चार कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, अल्फा डेक्सटिनेज, माल्टेज, सक्रेज एंड लैक्टेज। फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जिसको हम पेप्टाइडेसेस कहते हैं, उसके अंदर दो कैटेगरी आती है, अमीनो पेप्टाइडेस और डाई पेप्टाइडेसेस, एंड टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो न्यूक्लियोसाइडेस एंड फॉस्फाटेसेस होते हैं, यानी कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब ऑल्सो एज ऑब्जॉर्प्टिव सेल्स स्लव ऑफ, कई बार क्या होता है जो सेल्स है ना ऊपर वाले वो टूट जाते हैं, टूट करके बीच में आ जाएंगे, ठीक है, स्लव ऑफ इन टू द ल्यूमन कैविटी में आ गए इंटेस्टाइन की, ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे ब्रेक अपार्ट एंड रिलीज एंजाइम्स, ठीक है, वो टूट जाएंगे और एंजाइम को रिलीज कर देंगे, डेट हेल्प डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट इन द काइम, और जो एंजाइम वहाँ ल्यूमन में छोड़ देगा वो एंजाइम भी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल लेते हुए चल रहे हैं ताकि चीज़ें एकदम एग्जैक्टली समझ में आए, कि जो अब तक पुराना पढ़ते थे वो बच्चों वाला था एक तरह से 11th क्लास का, 9th क्लास का, वहाँ से हमें थोड़ा सा आगे डिटेलिंग लेके चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि केमिकल डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन, तो पार्ट में आ सकता है, पूरा एक साथ आ जाएगा तो वो एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने देखो केवल ये बात करी है कि इंटेस्टाइन के अंदर चीज़ें क्या क्या है, एक तो इंटेस्टाइनल जूस उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, और ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स इसका जिक्र किया हमने क्योंकि इनका नाम बार बार आगे आएगा। क्लियर है बातें? यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मैकेनिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पे भी हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मैकेनिकल डाइजेशन है आओ देखें क्या होता है। तो कह रहा है ड्यूओडेनल ग्लैंड्स, जो ड्यूओडेनल में ग्लैंड्स पाई जाती हैं इसको हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, नाम याद करते हैं ना, ठीक है। सिक्रीट अल्कलिन फ्लूइड, ये एक अल्कलिन फ्लूइड सिक्रीट करता है टू बफर स्टमक एसिड्स। अब पेट के अंदर से जो खाना आया है उसके ऊपर एसिड लगा हुआ है, ड्यूओडेनम को पसंद नहीं है एसिड, ठीक है, वहां पे जो है कैसा मीडियम है, बेसिक अल्कलिन मीडियम है, तो उसने कहा भैया तुम एसिड ले आए कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं एक फ्लूइड छोड़ेंगे जो बफर करेगा एक तरह से उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, एंड म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन। अब एसिड लगा हुआ खाना ड्यूओडेनम में आ गया है, ड्यूओडेनम के सेल्स वगैरह एसिड से जल ना जाए उसके लिए वहां पे पहले से ही ऊपर एक म्यूकस की लेयर चढ़ा दी जाती है ड्यूओडेनम की परत पे, एसिड वाला आएगा तो ठीक है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए ब्रूनर्स ग्लैंड्स क्या करेंगे, अल्कलिन फ्लूइड छोड़ेंगे, जब तक उसको न्यूट्रलाइज करेगा तब तक कोई एसिड का पार्ट इसके ड्यूओडेनल के पार्ट को जला ना दे,
है ना, तो उसके लिए म्यूकस का सिक्रेशन रहता है जो प्रोटेक्शन करता है और साथ साथ में लुब्रिकेट भी करेगा उस काइम को. क्या आ गया है? काइम आ गया है. द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेगमेंटेशन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी दो टाइप के मूवमेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, सेगमेंटेशन एंड टाइप ऑफ पेरिस्टाल्सिस कॉल्ड माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब क्या अंतर है दोनों में आओ देखते हैं. सेगमेंटेशन, दे आर लोकलाइज्ड, मतलब जहां पर है ना वहीं होंगे. कैसे? मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन दैट ऑकर इन पोर्शंस ऑफ इंटेस्टाइन डिस्टेंडेड. शब्द को नोट करेंगे, डिस्टेंडेड. हमारा जो अंदर आंते वगैरह होती है वो तो फ्लेक्सिबल होती है ना, जैसे मान लो अभी एक आंत ऐसी थी, सपोज ये आंत है ऐसी, ठीक है, अब इसके अंदर खाना आ रहा है, जैसे खाना आएगा तो फूल जाएगा ऐसे करके, तो जब इसमें खिंचाव आ गया, जब ये फूल गई इस तरीके से, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंटेड. जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मली ऐसे है, यूरिन आ रहा 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 है, और ये एकदम टाइट हो जाता है. तो जो खिंचाव आ रहा है उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? डिस्टेंटेड. ठीक है, तो जो खाना आ गया और इंटेस्टाइन क्या हो गया, डिस्टेंड हो गया बाय लार्ज वॉल्यूम ऑफ चाइम, चाइम भर गया उसके अंदर. सेगमेंटेशन, मिक्स चाइम. अब उसी हिस्से में ना एक तरह के मान लो ऐसे मोशन होंगे इस टाइप से, ये मोशन क्या करेंगे, जो उसके अंदर चाइम है उसको जूस, जो इंटेस्टाइन का जूस है उससे अच्छे से मिक्स कराएगा. सेगमेंटेशन मिक्स चाइम विद द डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू कांटेक्ट विद द म्यूकोसा. और फूड पार्टिकल को जो इसका म्यूकोसा वाली लेयर है ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, याद आया, उससे क्या करेगा, टच करवाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए. दे डू नॉट पुश द इंटेस्टाइनल कंटेंट अलोंग द ट्रैक. ये केवल ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, ऐसे ऐसे धक्का नहीं मारेंगे इसको आगे. ठीक है, तो ये लोकलाइज रहा. सेगमेंटेशन क्या है? उस पर्टिकुलर सेगमेंटेशन में हो रहा है. नाउ दिस मूवमेंट इज सिमिलर टू अल्टरनेटली स्क्यूजिंग द मिडल. अब इसको समझने के लिए सेगमेंटेशन मूवमेंट कैसा है आओ समझाएं. एक टूथपेस्ट ले लो, क्या ले लिया, एक टूथपेस्ट भरा हुआ है, ठीक है, इसको तुम यहां से दबाओ तो बीच में भर जाएगा, फिर बीच में दबा दो किनारे पे आ जाएगा. ठीक है, खेलते हो ना कई बार, ऐसे दबाया बीच में आ गया, बीच में दबा दिया किनारे पे चला गया, टूथपेस्ट. तो वही बता रहा है, दिस मूवमेंट, ये लाइन चाहो तो मत लिखना, काट सकते हो, समझाने के लिए लिखी हुई है. दिस मूवमेंट इज सिमिलर टू अल्टरनेटिवली स्क्वीजिंग. अल्टरनेट एक के बाद एक पिचकाना द मिडल, पहले बीच का, बीच वाले हिस्से को पिचकाया, ठीक है, एंड देन, और उसके बाद एंड्स ऑफ द कैप्ड ट्यूब टूथपेस्ट, कैप लगे हुए टूथपेस्ट को पहले बीच में दबाओ और फिर किनारे एंड में दबाओ. तो ये जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन मोशन. देखो दिमाग में ये सब चीजें हो रही है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, व्हेन मोस्ट ऑफ अ मील हैज बीन एब्जॉर्ब, व्हेन, अब क्या है, ज्यादातर मील क्या एब्जॉर्ब हो चुका है, डिस्टेंशन ऑफ द वॉल ऑफ, अब चाइम आ गया तो फूल गया था इस तरीके से, तो काफी ज्यादा फूड क्या है एब्जॉर्ब हो गया, तो अब ये थोड़ा सा खिंचाव कम हो गया होगा. तो क्या बोल रहा है, व्हेन मोस्ट ऑफ अ मील हैज बीन एब्जॉर्ब, जब काफी ज्यादा खाना एब्जॉर्ब हो चुका है चाइम के अंदर से, डिस्टेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिक्रीजेस, अब जो डिस्टेंशन है, खिंचाव है, वो कम हो जाएगा, विच स्टॉप सेगमेंटेशन एंड स्टार्ट पेरिस्टाल्सिस, अब सेगमेंटेशन रुक जाएगा और पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाएगी. पेरिस्टाल्सिस को क्या करेगी, आगे ढकेलेगी. आगे देखें, अब एक एक टाइप का मोशन हो गया, माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स. द टाइप ऑफ पेरिस्टाल्सिस दैट ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टर्म्ड एज माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो इंटेस्टाइन के अंदर मोशन होता है उसको हम लोग MMC कहते हैं. द MMC स्लोली माइग्रेट डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, धीरे धीरे, मतलब एक तरह का है पेरिस्टाल्सिस ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे माइग्रेट करेगा नीचे की तरफ, नीचे मतलब ड्यूडेनम से लेकर के अंत की तरफ बढ़ेगा ये, इन स्मॉल इंटेस्टाइन रीचिंग द एंड ऑफ इलियम, इलियम जो आखिरी छोड़ता वहां तक जाएगा, इन 19 to 120 मिनट, मतलब एक बार स्टार्ट हो गया, चलता चला जाएगा एक 90 to 120, लगभग 2 to 3 घंटे तक आगे बढ़ता रहेगा. देन अनदर MMC बिगिन, जैसे ही खत्म होगा फिर एक दूसरा स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से क्या है, खाना धीरे धीरे आगे भी ढकेला जा रहा है और वो उतनी देर के लिए क्या है, इंटेस्टाइन में भी है, एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है, और इस तरीके खाना धीरे धीरे आगे भी ढकेला जा रहा है. और यही वजह है कि हम लोग क्या कहते हैं, जो हम खाना आज खा लेते हैं वो लगभग
तीन दिन बाद वेस्ट होकर वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर आता है। यानी कि अगर तुमने आज कोई गुठली खा ली है, ट्राई कर सकते हो, बीज है ना, बेर वगैरह का बीज खा लो, और उसको तुम नोटिस करोगे कि आज से तीन दिन बाद वो आपके फीसिस से बाहर निकलेगा, ठीक है। देन अनदर MMC बिगिंस इन द स्टमक, ऑल टूगेदर चाइम रिमेन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर 3 to 5 आवर। अब लगभग 3 से 5 घंटे के लिए चाइम जो है वो क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बना रहता है। क्लियर है, इस तरीके से ये प्रोसेस चल रही है। आगे आए तो MMC समझ में आ गया। केमिकल डाइजेशन की बात कर ले, मैकेनिकल की बात होगी। इन द माउथ सेलेवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च, माउथ के अंदर क्या हुआ था, सेलेवरी एमाइलेज ने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया था जो कि एक पॉलीसेक्राइड था, टू माल्टोस और डाइसेक्राइड, माल्ट्रायोस और ट्राइसेक्राइड एंड अल्फा डेक्सट्रिन। तो मुंह के अंदर सेलेवरी एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोस में, माल्टोट्रायोस में और अल्फा डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। आगे आते हैं, इन द स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू पेप्टाइड, स्टमक के अंदर प्रोटीन ने पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। एंड लिंगोल एंड गैस्ट्रिक लाइपेस कन्वर्ट सम ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स, इन लोगों ने फैट को इसमें कन्वर्ट कर दिया था। थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है एक तरह से ये। दस इसीलिए चाइम एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन, अब जो चाइम एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर पार्शली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, पार्शली जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए बट कुछ कुछ डाइजेस्ट हो गए हैं। द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड इज डन बाय पैंक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फाइनल इन सब का पूरा कंप्लीट डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस, देखा था ना पैंक्रियाटिक जूस किस तरह से ड्यूडेनम में निकला था जाकर के, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, फाइनल डाइजेशन करेंगे। बात क्लियर है, बढ़े आगे मुंह पे पानी नहीं मार लो, ठीक है, पानी पी लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं, अब बारी बारी से सबका डाइजेशन देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहां पर कौन क्या कर रहा है, इवन दो द एक्शन ऑफ सेलिवरी एमाइलेज मे कंटिन्यू इन द स्टमक, कह रहा है ठीक है सेलिवरी एमाइलेज का, अब सेलिवरी एमाइलेज जो मूव सलाइवा से निकला था वो स्टमक के अंदर भी काम कर रहा है फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, जब तक कि उससे एसिड मिक्स नहीं करता है। द एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक डिस्ट्रॉयज सेलिवरी एमाइलेज, जो एसिडिक पीएच होता है स्टमक का वो सेलिवरी एमाइलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड एंड्स इट एक्टिविटी, और उसकी एक्टिविटी वहां खत्म हो जाती है। दोज स्टार्चेस नॉट ऑलरेडी ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज, अब जो बचा रह गया स्टार्च जो नहीं टूट पाया है माल्टोज में, माल्टोट्रायोज में और अल्फा डेक्सट्रिन में, आर क्लीव्ड बाय पैंक्रियाटिक एमाइलेज, अब उसे पैंक्रियाटिक एमाइलेज तोड़ेगा, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो याद रखें इस बात को, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च एक तो मुंह में डाइजेस्ट होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एन एंजाइम इन पैंक्रिया, अब कौन सा एंजाइम पैंक्रियास का है, कौन सा एंजाइम किसका, ये याद रखना जरूरी है, उसका भी चार्ट दूंगा आखिरी में। एन एंजाइम इन पैंक्रियाटिक जूस दैट एक्ट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक एंजाइम है जो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है और कहां पे काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑल्दो यद्यपि पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट ऑन बोथ ग्लाइकोजन एंड स्टार्चेस, ये दोनों पे काम करता है, ग्लाइकोजन पे भी काम करता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में हमारा क्या है, स्टोरेज फूड है, और स्टार्च पे भी काम कर रहा है। इट हैज नो इफेक्ट ऑन अनदर पॉलीसेक्राइड कॉल्ड सेलुलोज, सेलुलोज भी एक पॉलीसेक्राइड है जो कि पत्तों के सेल यानी कि लीफ के सेल से पाया जाता है, यानी कि प्लांट के सेल में पाया जाता है, उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है, और सेलुलोज इसीलिए फाइबर का काम करता है, एंड इनडाइजेस्टिबल प्लांट फाइबर, जो जितने अभी हम कच्ची सब्जियां खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होता है और फीसिस से बाहर निकलता है, लेकिन फाइबर का काम करता है, फायदेमंद होता है। डेट इज कॉमनली रेफर टू एज रफेज, जिसको हम रफेज के तौर पर पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, एज इट मूव थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जैसे डाइजेस्ट मूव करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज, यानी कि जो पॉलीसेक्राइड डाइजेस्ट नहीं होगा वो फाइबर में बन जाता है, उसको हम रफेज भी कहते हैं, और ये सेहतमंद होता है कहीं ना कहीं हमारे लिए। वैसे अनदर अमाइलेज, ये तो हो गया पैंक्रियाटिक अमाइलेज, एक और अमाइलेज है आइदर सेलिवरी और पैंक्रियाटिक, ठीक है इसको छोड़ देंगे।
अच्छा अनदर नहीं है, आफ्टर अमाइलेज, अमाइलेज के बाद, सॉरी वही मैं कहूँ, सेंटेंस नहीं बन रहा, आफ्टर अमाइलेज यानी कि सेलेवरी ऑफ पेंक्रेटिक के बाद हैज स्प्लिट स्टार्च इन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अमाइलेज ने क्या कर दिया, स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब क्या है, अब ब्रश बॉर्डर एंजाइम कॉल्ड अल्फा डेक्सट्रिनेज, अब एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम, ब्रश बॉर्डर एंजाइम याद कर लो क्या था, क्या होते हैं, दिमाग में आ गया, ओके। तो जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है वो एक एंजाइम छोड़ते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं अल्फा डेक्सट्रिनेज, जो कि एक्ट करता है रिजल्टिंग अल्फा डेक्सट्रिन पे, जो फाइनल में अल्फा डेक्सट्रिन बचा रह गया है, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करेंगे एंड क्लिपिंग ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एट ए टाइम, और उसके अंदर से एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्लिप ऑफ, तोड़ता चला जाएगा, अलग करता चला जाएगा, और उसको फाइनली सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज में तोड़ देगा। आगे आते हैं, इंजेस्टेड मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज, अगर हमने कोई सक्रोज लिया है, लैक्टोज लिया है एंड माल्टोज लिया है, ये तीन ये तीनों क्या है, डाइसैक्राइड्स है, याद रखेंगे, सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आर नॉट एक्टेड ऑन अंटिल दे रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या कह रहा है, अगर हमने कोई ऐसा खाना खाया है जिसके अंदर सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है, ये ना मुंह में डाइजेस्ट होंगे ना पेट में डाइजेस्ट होंगे, ये फाइनली कहाँ, जब ये पहुंच जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये तभी डाइजेस्ट होते हैं। थ्री ब्रश बॉर्डर एंजाइम डाइजेस्ट द डाइसैक्राइड्स इनटू मोनोसैक्राइड्स, तीन ब्रश बॉर्डर एंजाइम, सक्रेज जो सक्रोज पे काम करेगा, ठीक है, ब्रेक सक्रोज इनटू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया जाएगा। लैक्टेज डाइजेस्ट लैक्टोज इनटू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है, कहाँ पाए जा रहे हैं ये, ब्रश बॉर्डर एंजाइम हैं ये। एंड माल्टेज, और एक और एंजाइम होता है माल्टेज, ये स्प्लिट करता है माल्टोज एंड माल्टोट्राइज को इंटू टू और थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रेस्पेक्टिवली, है ना, क्रम से। तो माल्टेज क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है माल्टोज को एंड माल्टोट्राइज को इंटू टू, माल्टोज को दो और माल्टोट्राइज को तीन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। खत्म। कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से अपने सबसे छोटे रूप या तो किस में आ गया है, गैलेक्टोज में आ गया है या ग्लूकोज में आ गया है, सबसे छोटा मोनोसैकेराइड्स में आ गए ये। अब ये ऐसे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इनका एब्जॉर्प्शन वाली कहानी भी देखेंगे और सुनेंगे, ठीक है, आराम से, ओके। आगे आते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विद द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड, ये जो मोनोसैकेराइड बन गए हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, क्लियर है, अब ये एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है। आगे आए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, देख रहे हो किस तरीके से फाइनल डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक के अंदर, हमने देखा था पेप्सिन के द्वारा, वेयर प्रोटीन्स आर फ्रेगमेंटेड इनटू पेप्टाइड्स बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन, यहाँ पर प्रोटीन तोड़ दिया जाता है पेप्टाइड्स में, ठीक है, पेप्सिन के द्वारा। एंजाइम्स इन पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस एंड इलास्टेज, बेटा बहुत जरूरी है, कहाँ पर कौन कौन सा एंजाइम छोड़ रहा है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कौन से हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम कौन से हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है, कौन सा पेंक्रियाटिक एंजाइम प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है, कौन सा पेंक्रियाटिक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है। अब कह रहा है पेंक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू पेप्टाइड, ये लगातार अभी भी तोड़े चले जा रहे हैं प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय टू पेप्टाइडेजेस इन द ब्रश बॉर्डर, अब फाइनली ब्रश बॉर्डर के अंदर दो पेप्टाइडेजेस पाए जाते हैं, अमीनो पेप्टाइडेजेस एंड डाइपेप्टाइडेजेस, अल्टीमेट जो ब्रेकिंग है वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम के द्वारा किया जा रहा है। अमीनो पेप्टाइडेज क्लीव्स ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को वहां से तोड़ के बाहर कर देगा एट द अमीनो एंड ऑफ पेप्टाइड, अब पेप्टाइड का स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं होगा शायद अभी, कोई बात नहीं, तो मान के चलो प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वहां पे अमीनो ग्रुप लगा होता है, ये उस अमीनो ग्रुप को तोड़ के अलग कर देंगे। और डाइपेप्टाइड्स क्या करेगा, स्प्लिट डाइपेप्टाइड्स इनटू सिंगल अमीनो एसिड, अब वो चाहो तो मत लिखना टू अमीनो एसिड जॉइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर जिनको याद है अच्छी बात है, वरना सीधा ध्यान रखना डाइपेप्टाइड स्प्लिट करता है इनटू सिंगल अमीनो एसिड्स में, ठीक है ना, अब अमीनो एसिड को फिर ये और तोड़ देगा, तो इस तरह से फाइनली क्या हो रहा है कि हमारे प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जा रहे हैं, क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, आखिरकार ध्यान रखना प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के इसमें आ गया अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो इसका सबसे छोटा रूप अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप जो एब्जॉर्ब होगा भूल गए मोनोसैकेराइड, ठीक है,
अब डाइजेशन ऑफ लिपिड ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसको समझना पड़ेगा, बात समझते चलना। डाइजेशन ऑफ लिपिड, ठीक है, प्रोटीन तो आसान था, लिपिड में थोड़ा इमल्सिफिकेशन वगैरह रहता है, प्रोसेस थोड़ी सी लंबी रहेगी। आराम से शांति से ध्यान से देखो, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन द डाइट आर ट्राइग्लिसराइड्स। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लिपिड कौन है? ट्राइग्लिसराइड्स हैं। एंजाइम्स दैट स्प्लिट ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर लाइपेजेस। ऐसे एंजाइम जो ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ते हैं उनका नाम लाइपेज है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइपेज, तीन टाइप के लाइपेज होते हैं दैट कैन पार्टिसिपेट इन लिपिड डाइजेशन। लिंगुअल लाइपेज जो जीभ के नीचे से निकला था, गैस्ट्रिक लाइपेज जो पेट में था, और आखिर में आ गया पैंक्रियाटिक लाइपेज जो पैंक्रियास के द्वारा छोड़ा जाएगा। ऑल्दो सम लिपिड्स डाइजेशन ऑकर इन द स्टमक, हमने देखा था कुछ लिपिड डाइजेशन स्टमक में हो गया था थ्रू द एक्शन ऑफ लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। किसका एक्शन हुआ था? लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेज के एक्शन से कुछ डाइजेशन पेट में हो गया था। मोस्ट ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है थ्रू द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, एक तरह से इंट्रो हो गया यहां पर। नाउ ट्राइग्लिसराइड्स आर ब्रोकन डाउन बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज इनटू फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। ये मार्क कर लेंगे लाइन। द लिबरेटेड फैटी एसिड कैन बी आदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड। अब जो फैटी एसिड यहां से निकले हैं यहीं से कहानी स्टार्ट हो रही है। ट्राइग्लिसराइड तोड़ दिया गया फैटी एसिड में मोनोग्लिसराइड्स में। अब जो फैटी एसिड यहां से निकले हैं ये या तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं लगभग 10 से 12 कार्बन के, या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि उससे भी ज्यादा। बिफोर अ लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल कंटेनिंग ट्राइग्लिसराइड्स कैन बी डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट मस्ट फर्स्ट अंडरगो इमल्सिफिकेशन। अब इससे पहले कि फैटी एसिड इतना जो भारी बल्कि है ये क्या हो, एब्जॉर्ब हो, इसका क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या है कहानी समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। इट मस्ट फर्स्ट अंडरगो इमल्सिफिकेशन, अ प्रोसेस इन विच द लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल इज ब्रोकन डाउन इंटू सेवरल स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल्स। इमल्सिफिकेशन में क्या है, लार्ज बड़ा फैट का मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डायग्राम है मेरे पास यहाँ पर, देखो क्या होता है। फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, बाइल साल्ट, मैंने बताया था बाइल साल्ट हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी। अब ये जो बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट में क्या होता है, इसका जो एक हिस्सा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर भागेगा यानी कि फैट लविंग, और एक होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। ये बाइल साल्ट क्या करेगा, अच्छा ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है इसको डाइजेस्ट करना भी आसान नहीं है, ये आकर के इसको चारों तरफ से घेर लेगा। इसको हम कहते हैं इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स। अब चारों तरफ घेरने से क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे चारों तरफ क्या है, वाटर है ना इंटेस्टाइन, चारों तरफ क्या पानी है। पानी से जो ये ग्रीन वाले पार्ट है जो पानी में धंसे हुए हैं, जब ये हिलता है तो ये खिंचाव पड़ता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं पानी के साथ अट्रैक्शन करके ऐसे खिंचाव कर रहे हैं, तो ये इधर खिंचेगा, ये इधर खिंचेगा, ये चारों तरफ खिंचते हैं चारों तरफ को, और ये मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करके क्या हो गए, छोटे चार हैं ये, और खींचेंगे और छोटे, और खींचेंगे और छोटे, ये फिर छोटा फैट ग्लोब्यूल छोटा होता चला जा रहा है। ये जितना छोटा हो जाएगा इसका जो सरफेस एरिया था, अब ये सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया मैथमेटिकल टर्म में आ जाएगा, अब तुमको लगेगा सर ये तो बड़ा, नहीं सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। वॉल्यूम, अगर हम सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देखें, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देखेंगे तो जितना छोटा पार्टिकल होता है उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो इस पर बहुत सारे एंजाइम जो लाइपेज हैं वो एक्ट करेंगे और इसको डाइजेस्ट करेंगे ईजिली। जितना छोटा फैट मॉलिक्यूल हो जाएगा उसके ऊपर एंजाइम उतने अच्छे से एक्ट कर पाएगा। तो इमल्सिफिकेशन समझ में आ गया, चलें आगे। ओके, बाइल कंटेन बाइल साल्ट, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, बाइल के अंदर बाइल साल्ट होता है, द सोडियम सॉल्ट एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बाइल एसिड। सॉल्ट है मतलब एसिड किसी के साथ रिएक्ट किया होगा बेस के साथ और सॉल्ट बनाया होगा, तो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट होता है बाइल एसिड का। इसके अंदर मेनली दो टाइप के एसिड होते हैं, इसको कहते हैं चीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड या कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड एंड कोलिक एसिड, ये दो एसिड के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। बाइल साल्ट्स आर एम्फीफैटिक, यानी कि इसका एक पार्ट हाइड्रोफोबिक है एक पार्ट हाइड्रोफिलिक है, विच मीन्स दैट ईच बाइल साल्ट हैज हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर रीजन एंड हाइड्रोफोलिक पोलर रीजन, ठीक है। द एम्फीफैटिक नेचर ऑफ बाइल साल्ट्स अलाउ देम टू इमल्सिफाई। अब इसी एम्फीफैटिक नेचर की वजह से इमल्सिफिकेशन कर पाते हैं ये, ठीक है। द एम्फीफैटिक नेचर ऑफ बाइल साल्ट्स अलाउ देम टू इमल्सिफाई अ लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल। द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ बाइल साल्ट, जो हाइड्रोफोबिक, ये कोटा क्वेश्चन, बकायदा क्वेश्चन आ सकता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है।
ठीक है। द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ बाइल साल्ट, जो हाइड्रोफोबिक रीजन है ये वाला पार्ट फैट पे आके धस जाएगा, ठीक है। बाइल साल्ट इंटरेक्ट विद द लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल, वाइल द हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ बाइल साल्ट इंटरेक्ट विद द वाटरी इंटेस्टाइनल चैम्बर, जो पानी वाला पार्ट है उससे, है ना, ये वाटर से इंटरेक्ट करता है। कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि परिणाम स्वरूप, द लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल, जो बड़ा सा लिपिड ग्लोब्यूल है, इज ब्रोकन अपार्ट, ये टूट जाएगा इंटू सेवरल स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल, बहुत छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना, ईच अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, छोटे छोटे टुकड़े में आ गया, अब डाइजेशन आसान हो जाएगा। अब द स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम इमल्सिफिकेशन प्रोवाइड अ लार्ज सर्फेस एरिया, अब जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल आ गए हैं वो क्या, लार्ज सर्फेस एरिया काफी बड़ा प्रोवाइड करवा देंगे, डेट अलाउज पेंक्रियाटिक लाइपेज टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली। इससे क्या होगा कि वो पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो काफी आसानी से उसके ऊपर एक्ट कर पाएगा। खत्म होगी कहानी, इमल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आई, इमल्सिफाई हुआ एक तरह से, इसका डाइजेशन हो गया, टूट गया, ये एब्जॉर्प्शन की बात बाद में करेंगे। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए, है ना, डीएनए आरएनए कहां पाया जाता है भाई, जो भी हम प्लांट की सब्जियां खाते हैं, सेल्स होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं उसके अंदर। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन 2 न्यूक्लियसेस, इसके अंदर 2 न्यूक्लियसेस होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले, राइबो न्यूक्लियस विच डाइजेस्ट आरएनए एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस विच डाइजेस्ट डीएनए। द न्यूक्लियोटाइड दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ 2 न्यूक्लियसेस आर फर्दर डाइजेस्टेड बाय ब्रश बॉर्डर एंजाइम। अब जो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यानी कि पूरा डीएनए था, टूट गया है, अच्छा तुमको पता है ना डीएनए का स्ट्रक्चर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी कि एन न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो जब एंजाइम ने काम किया तो इनको न्यूक्लियोटाइड को तोड़ दिया, और एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, सुगर, पेंटोस सुगर से बना होता है, याद आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस, जेनेटिक्स में पढ़ाता हम लोगों ने, और फॉस्फेट, है ना, न्यूक्लियोटाइड इन 3 से मिला होता है। तो देखो जब एक बार डीएनए टूट गया या आरएनए टूट गया तो न्यूक्लियोटाइड अलग हो गए सारे। अब ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियोसाइडेसिस एंड फॉस्फेटेसिस इनटू पेंटोसेस फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो क्या कह रहा है, द न्यूक्लियोटाइड डेटा रिजल्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ द 2 न्यूक्लियसेस, जो न्यूक्लियोटाइड बना है एक्शन ऑफ 2 न्यूक्लियसेस, इन न्यूक्लियसेस की हेल्प से जो आर एन डी एन ए टूटा और क्या निकले उसके अंदर से, न्यूक्लियोटाइड निकले हैं, वो फर्दर डाइजेस्ट किए जा रहे हैं बाय ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियोसाइडेसिस एंड फॉस्फेटेसिस, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जब डाइजेस्ट किया जाता है तो पेंटोसिस, यानी कि शुगर कैसी होती है हमारी, पेंटोस शुगर होती है। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड पेंटोसिस में टूट जाएगा, फॉस्फेटेस में टूट जाएगा और नाइट्रोजन बेस में टूट जाएगा, यानी कि बिल्कुल अलग अलग हो गया, अपने सबसे छोटे टुकड़ों में टूट गया अब ये, क्लियर है। ये चीज थोड़ी सी अगर याद नहीं होगी तो दिक्कत देगी, कोई बात नहीं, अभी के लिए फिलहाल याद करते चलो, इसे आगे आते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन खत्म हो गया, क्लियर है, चले आगे अपना डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, अभी डाइजेशन ही चल रहा है, अभी एब्जॉर्प्शन ही बचा हुआ है, चलो आ जाओ। मैकेनिकल डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली कौन सा आ गया, स्ट्रक्चर याद है, ये वाला पार्ट जो था, है ना, ये वाला पार्ट, ओके, मैकेनिकल डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोल रहा है, द पैसेज ऑफ चाइम फ्रॉम इलियम टू सीकम, याद करो फटाफट स्ट्रक्चर देखो, इलियम टू सीकम स्ट्रक्चर देखो फटाफट, इलियम टू सीकम देखा स्ट्रक्चर मिल गया, यानी कि हमारा खाना अब इलियोसिकल वाल्व था, वहां पर इलियम से कहां आ गया, सिकम में आ गया, इज रेगुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ इलियोसिकल स्फिंक्टर, ये तो कहानी पता ही है। नॉर्मली द वाल्व रिमेन पार्शली क्लोज्ड, जनरली क्या हल्का सा वही जैसे कि पाइलोरिक स्फिंक्टर था, पूरा नहीं रहेगा, हल्का सा खुला रहेगा, बंद रहेगा, सो डैट द पैसेज ऑफ चाइम इंटू सिकम यूजली ऑकर स्लोली, तो काफी धीमा धीमा जाता है, ठीक है, इलियम से सिकम में। इमीडिएटली आफ्टर अ मील, खाना खाने के बाद, अ गैस्ट्रो इलियल रिफ्लेक्स, ध्यान रखना, इमीडिएटली आफ्टर अ मील, खाना खाने के तुरंत बाद, गैस्ट्रो इलियल रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, इंटेंसिफाई पेरिस्टाल्सिस इन इलियम एंड फोर्सेस चाइम इनटू सीकम, यानी कि हमने खाना खाया उसके तुरंत बाद एक गैस्ट्रो इलियल रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, वो क्या करता है, इलियम का जो खाना होता है, इलियम का जो चाइम होता है, उसको धक्का मार देता है, कहां पर, सीकम में, जैसे कि ऊपर जो खाना खाया उसको भी जगह चाहिए,
तो कहानी स्टार्ट हो रही थोड़ी सी, यानी कि जो पहले वाली जो मील है वो पहुंच चुकी है कहाँ पर, इलियम के पास तक। अब उसे कहाँ जाना है, सिक्किम में जाना है। तो जैसे हम अगली मील खाते हैं तो पहले वाली मील मतलब या उससे पहले वाली मील जो भी वहाँ पे इस समय मौजूद है वो इसे धक्का लगता है। अब द हार्मोन गैस्ट्रिन आल्सो रिलैक्सेस द स्फिंक्टर। अब ये जो इलियम से जो चाइम है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सिक्कम में चली जाए तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ है खाना खाने के बाद, रिलीज हुआ था पेट में जाने के बाद, वो इस इंस्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा, खोल देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खाना सिक्कम में चला जाए। खाना मतलब चाइम। एज फूड पासिस थ्रू द इलियोसिकल इंस्फिंक्टर, जैसे ही खाना इलियोसिकल इंस्फिंक्टर से पास करता है, इट फिल्स द सिक्कम, सिक्कम पूरा भर जाएगा। इधर डायग्राम रख लो पास में, ठीक है ना, वरना लग रहा होगा सर तो हवाबाजी कर रहे हैं। डायग्राम सामने रखो, मेरे को तो याद है तो इसलिए मेरे को दिमाग में इमेजिनेशन है, तुम्हारा डायग्राम सामने रखो कि यहाँ पे मैंने वो डायग्राम नहीं रखा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। इलियोसिकल इंस्फिंक्टर इट फिल्स द सिकम, तुरंत बेटा ये जितना ये पता है क्यों डायग्राम यहाँ पर रखा है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी यही बात है कि वर्ड बोलते ही ना तुम्हारे दिमाग में वो पिक्चर आ जानी चाहिए कि अच्छा ये सिकम यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तब इसको लिखना आसान होगा, ठीक है। तो इट फिल्स द सिकम एंड एक्यूमुलेट्स इन द असेंडिंग कोलोन, और क्या करता है इकट्ठा कर देता है इसको असेंडिंग कोलोन में। वन मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज होस्टोरल चर्निंग। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक और टाइप की चर्निंग पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, होस्टोरल चर्निंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द होस्टोरा रिमेन रिलैक्स्ड एंड बिकम डिस्टेंटेड व्हाइल दे फिल अप। होस्टोरा का मतलब बता दूं मैं, अगर तुम लोगों को याद हो तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसा था, याद आया? तो जो एक हिस्सा है ना ये वाला, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होस्टोरा बोल देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर वही इस तरह से मिलावट वाला काम चलेगा, होस्टोरा चर्निंग चलेगी, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द होस्टोरा रिमेन रिलैक्स्ड एंड बिकम डिस्टेंडेड, ये अभी फिलहाल क्या रिलैक्स है, ठीक है, खाना आता जा रहा है फूलते जा रहे हैं, खाना आता जा रहा है फूलते जा रहे हैं, डिस्टेंट होते चले जा रहे हैं, ठीक है, और खाना भर जाता है, खाना मतलब चाइम भर गया। When the distance reaches a certain point, अब खिंचाओ एक खास लिमिट तक पहुंच जाएगा, the walls contract and squeeze the content, वॉल contract करेंगी और इस content को squeeze करेंगी, दबा देंगी, ठीक है, into the next hostorum, इसको squeeze कर देंगे और ये यहाँ पास हो जाएगा, जब ये भर जाएगा ये squeeze हो जाएगा, ये यहाँ पास हो जाएगा, ये जब खिंचाव आएगा फिर ये contract कर जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये दिख गया, ठीक है। स्क्वीज द कंटेंट इनटू नेक्स्ट होस्टोरम, पेरिस्टाल्सिस आल्सो ऑकर, साथ साथ में पेरिस्टाल्सिस भी हो रही है। तो पूरा अगर इमेजिनेशन करो बेटा तो पूरा खाना पेट से किस तरह से होता हुआ आ रहा है, पूरी यहां पे मैंने एक पिक्चर एक क्रिएट करने की कोशिश की है। अब फाइनल मूवमेंट इज मास पेरिस्टाल्सिस, एक सबसे आखिरी मूवमेंट होगी जिसको मास पेरिस्टाल्सिस बड़े लेवल की। अ स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव दैट बिगिंस एट अबाउट द मिडल ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, कुछ यहां मतलब यहाँ पे आ गया ये, ठीक है ना। तो एक वेव क्रिएट होगी कुछ मिडल यहां से क्रिएट होगी, यहां से आगे के लिए एक मिडल जो ट्रांसवर्स कोलन है यहां से क्रिएट होगी, ठीक है, अबाउट द मिडल ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन एंड क्विकली ड्राइव द कंटेंट ऑफ द, और तुरंत जो कंटेंट है उसको ड्राइव करेगा, धक्का मारेगा कोलन इनटू द रेक्टम। वो कोशिश करेगा अब कि फटाफट यहां से जितना भी आइटम है वो कहां आ जाए, यहां पर क्या मौजूद था, रेक्टम मौजूद था, रेक्टम में आ जाए। क्लियर है बातें। बिकॉज फूड इन द स्टमक इनिशिएट इस गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्सेस, क्योंकि जो पेट के अंदर खाना है, जो खाना खाया था हमने, ठीक है ना भाई, एक खाना तो वहां पहुंच रहा है, कोई और दूसरी मिल ले रहे होंगे, तीसरी चौथी जो भी मिल ले रहे होंगे, उसने गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स स्टार्ट किया है इन द कोलोन में, ठीक है। वो क्यों कर दिया है, ऊपर से खाना खाया तो एक इंडिकेशन गया भैया नीचे भी खाली करो ना, ऊपर से खाना आएगा, तो एक रिफ्लेक्स आ गया। मास पेरिस्टाल्सिस यूजली टेक्स प्लेस 3 or 4 times a day, दिन में 3 to 4 बार, यानी जब जब खाना खाएंगे तब तब आएगा, जिससे कि खाली होता रहे। अ डे ड्यूरिंग और इमिडिएटली आफ्टर अ मील, या तो मील खाते वक्त या मील खाने के तुरंत बाद। क्लियर है। तो ये इसका क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में मैकेनिकल डाइजेशन। अब केमिकल की बात कर लें, कुछ केमिकल डाइजेशन कर रहा है क्या, आओ देख लें जरा, ठीक है। द फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑकर इन द कोलोन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया दैट इनहैबिट द ल्यूमेन। जो फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन है वो हमारे जो पेट के अंदर बैक्टीरिया, पेट नहीं बोलना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन, बेटा देखो वेरी इंपॉर्टेंट,
ये एक कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग कहते हो कि हमें दही खाते हैं पेट सही हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया देखो यहाँ पर आ गया बैक्टीरिया, इसका जिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? कोलोन में पाए जाएंगे, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही जरूरी है बैक्टीरिया ये, ठीक है। कहाँ रहते हैं? इनहेबिट मतलब रहते हैं ल्यूमेन में, ल्यूमेन मतलब वही जब उसका जो संकरा पाइपनुमा रास्ता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं कैविटी को। म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन बट नो एंजाइम्स आर सिक्रेटेड। वन मार्क्स क्वेश्चन, म्यूकस तो सिक्रेट किया जाता है बट किसी भी टाइप का एंजाइम सिक्रेट नहीं किया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, यानी कि यहाँ पे खाने का तो डाइजेशन नहीं होगा। फिर चाइम इज प्रिपेयर्ड फॉर एलिमिनेशन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। चाइम जो पहुंच गया है इस कोलोन में, ठीक है, वो बैक्टीरिया के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि अब उसे बाहर निकालना है। विच फर्मेंट, जो कि सड़ा देता है एनी रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट। अब कोई बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट अगर वहां पहुंच गया है तो बैक्टीरिया उसको सड़ा देंगे, मतलब खा पी के सड़ा देंगे। एंड रिलीज हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, और तीन गैस बनाते हैं, समझना, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। अब समझना, दीज गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्लैटस गैस, और यही वजह है कि हमको गैस बनती है कोलोन के अंदर, टर्म्ड एज फ्लैचुलेंस व्हेन इट इज एक्सेसिव। और जब बहुत ज्यादा बनती है तो पेट फूल जाता है, हम कहते हैं पेट फूल गया है, तो इसीलिए कहते हैं बेटा खाने को एकदम चबा के खाओ, आराम से खाओ, नहीं करोगे तो बैक्टीरिया फिर तोड़ेगा जाके, बैक्टीरिया जब उसको तोड़ेगा तो गैस बनाएगा और फिर पेट फूलेगा। बैक्टीरिया ऑल्सो कन्वर्ट एनी रिमेनिंग प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। अब अगर कोई प्रोटीन पहुंच गया है तो बैक्टीरिया उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एंड ब्रेक डाउन द अमीनो एसिड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस इंडोल स्केटोल और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब समझना खतरनाक चीज आ रही है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, अमीनो एसिड के अंदर, और अमीनो एसिड को फाइनली कन्वर्ट कर दिया इंडोल स्केटोल और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन कंपाउंड्स के अंदर तोड़ दिया एंड फैटी एसिड, और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सम ऑफ द इंडोल एंड स्केटोल इज एलिमिनेटेड इन द फीसेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर ऑर्डर। अब बात समझते जाना, जो अमीनो एसिड को इसने इन कंपाउंड में तोड़ा है उसमें से कुछ इंडोल और स्केटोल क्या होता है, फीसेस पॉटी के साथ बाहर आता है, और जो बदबू आ रही है ऑर्डर वो इसकी वजह से आ रही है, पॉटी की जो बदबू है उसके पीछे ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द रेस्ट इज एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड टू द लिवर, और बाकी बचा हुआ इंडोल और स्केटोल एब्जॉर्ब हो जाता है और लिवर के पास चला जाता है। वेयर दीज कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स एंड एक्सीडेड इन द यूरिन, और फाइनली फिर वहां से वो यूरिन से निकल जाते हैं। अब आगे सुनो कहानी, बैक्टीरिया ऑल्सो डिकम्पोज बाइलीरुबिन टू सिंपलर पिगमेंट्स इंक्लूडिंग स्टरकोबिलिन, है ना, ये तो पहले शायद पढ़ा हुआ हम लोगों ने। तो बैक्टीरिया जो बाइलीरुबिन आया हुआ है उसको कन्वर्ट करते हैं, बाइलीरुबिन याद है ना कहाँ से आता है, आयरन के जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है टूट करके टूट जाता है वहां से बनता है, वो क्या होता है सिंपलर पिगमेंट्स, है ना, उसमें कन्वर्ट करता है और उसके अंदर एक कंपाउंड होता है स्टरकोबिलिन विच गिव फीसेस देयर ब्राउन कलर, और इस स्टरकोबिलिन की वजह से जो हमारा पॉटी होता है उसका रंग क्या होता है, फीसेस का ब्राउन कलर का होता है। बैक्टीरियल प्रोडक्ट दैट आर एब्जॉर्ब इन द कोलोन इंक्लूड सेवरल विटामिन, अब जो बैक्टीरिया ने तोड़ फोड़ मचाई है उसमें से कुछ विटामिन भी बने हैं, ठीक है, तो वो विटामिन क्या होते हैं, नीड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड सॉरी क्या हो गया, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स दैट आर एब्जॉर्ब इन द कोलोन। अब बैक्टीरिया के कुछ प्रोडक्ट है जो उन्होंने निकाले हैं अपने अंदर से, उसके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कोलोन के अंदर, जिसके अंदर कुछ विटामिन हैं जो कि जरूरत होते हैं फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए उनकी जरूरत होती है। अमॉन्ग देम, उन सभी में से बी विटामिन एंड विटामिन के, ये इंपॉर्टेंट है मार्क करेंगे, ये बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब द मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन कोलोन आर, अब कौन से बैक्टीरिया हैं ये भी तो पता कर लो, ऑब्लिगेट एंड एरोब्स, यानी कि भाई वहां ऑक्सीजन तो है नहीं तो एन एरोबिक हो गए बिना ऑक्सीजन वाले। एंड द मोस्ट अवंडेंट बैक्टीरिया आर मेंबर्स ऑफ द जीनस बैक्टेरियोइड्स एन एरोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई सच एज पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज यू बैक्टेरियम लैक्टोबैसिलस सुना होगा जो दही में पाया जाता है एंड क्लॉस्ट्रीडियम, ये कुछ बैक्टीरिया की प्रजातियां हैं जो हमारे कोलोन में पाई जाती हैं। क्लियर है, मजा आया, यहां तो मजा आ गया होगा कि अच्छा ये सब चीजें बैक्टीरिया हमारा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट खत्म हो जाता है डाइजेशन वाला, ठीक है, जिसको यहां तक कोई प्रॉब्लम है वो वीडियो को यहां पे पॉज कर सकता है, टाइम नोट कर ले, फिर बाद में देखना, क्योंकि अब यहां से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करेंगे। मुंह हाथ धुल लो, ब्रेक ले लो एक,
ठीक है, चाय पी लो, पानी पी लो, फटाफट 2 मिनट के अंदर आते हैं। ले लिया रेस्ट, शुरू करें, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रो लेंगे हम लोग, यानी कि पुराना रिपीट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ऑल ऑफ द केमिकल एंड मैकेनिकल फेजेस ऑफ डाइजेशन, जो भी केमिकल और मैकेनिकल फेजेस ऑफ डाइजेशन हमने ऊपर देखे हैं, फ्रॉम माउथ थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए वो चेंज कर देता है फूड को इनटू फॉर्म्स दैट कैन पास थ्रू द एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल्स। वो फूड को कुछ इस तरीके से चेंज कर देता है कि वो जो खाना है वो एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग, ठीक है, उनके अंदर से होकर गुजर सके, द म्यूकोसा इनटू द अंडरलाइंग ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। वो खाने को इस तरह से चेंज कर देते हैं डेट कैन, जो कि पास कर सकता है थ्रू द एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल लाइनिंग द म्यूकोसा। एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल जो म्यूकोसा के ऊपर है, लाइन परत है उसकी, एंड इनटू द अंडरलाइंग ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, और उसके अंदर जो लिम्फेटिक, और उसके अंदर क्या है, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स है, ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स है, ओके। दीज फॉर्म्स आर मोनोसैक्राइड्स। अब ये फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? दीज फॉर्म्स आर मोनोसैक्राइड्स, ठीक है। मोनोसैक्राइड में कौन कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये कहां से आए हैं? कार्बोहाइड्रेट से आए हैं। सिंगल अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स फ्रॉम प्रोटीन। प्रोटीन किस किस में टूट गया है? अमीनो एसिड में, डाइपेप्टाइड्स में एंड ट्राइपेप्टाइड्स में। एंड फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड। तो यहां से मार्क कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा, प्रोटीन किस में टूटा और ट्राइग्लिसराइड्स किस में टूटे हैं, सबसे छोटे रूप जो कि अब एब्जॉर्ब किए जाएंगे, ठीक है। पैसेज ऑफ दिस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इनटू द ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये डेफिनेशन आ गया। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका पैसेज यानी कि इनका मूव होना फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इनटू द ब्लड और लिम्फ, ब्लड के अंदर जाना और फिर या लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब होना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सिंपल है, इन न्यूट्रिएंट्स का फाइनली ब्लड या लिम्फ के अंदर पहुंचना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्लियर हो गया यहां तक सब कुछ, ठीक है ना, कि कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनका सबसे सिंपलर फॉर्म किस में टूट रहे हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट अपने मोनोसैक्राइड्स में, वो मोनोसैक्राइड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रोटीन अपने सिंपलर फॉर्म में है ना, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, ठीक है। एंड फैट अपना किस में टूट रहा है? और फाइनली ये सब क्या होते हैं? एब्जॉर्प्टिव सेल से होते हुए पैसेज ऑफ दीज डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रो एंड ट्रैक इनटू द ब्लड लिम्फ एंड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या चीज है, इसको देखो, समझते हैं हम लोग। ये जो यही लाइन है, अल्टीमेटली होता क्या है कि ये जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, दीज आर एब्जॉर्प्टिव सेल्स, यहां से खाना यहां आता है और यहां से आने के बाद ये देख लो, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज हैं, इन यहां से एब्जॉर्ब होके फाइनली खाना इस ब्लड कैपिलरी के अंदर चला जाता है और ब्लड कैपिलरी से होता हुआ फिर हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बात समझ में आ गई। अब जो यहां पर इसके ऊपर की जो परत है उसमें कुछ खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स पाए जाते हैं, गोब्लेट सेल्स पाए जाते हैं, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं और पेनिथ सेल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबके फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्टिव सेल का मेन काम क्या है? फूड को एब्जॉर्ब करवाएगा और ब्लड वेसल तक पहुंचाएगा। गोब्लेट सेल म्यूकस सिक्रेट करते हैं। एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स है ना, हार्मोन सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, इनको सिक्रेट करते हैं। इनका फंक्शन मैंने बताया था, ये बाइल जूस वगैरह को एक्टिवेट करते हैं। और पेनिथ सेल, इनका लाइसोजाइमल एक्टिविटी होती है, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस है तो उसको खा पी के अलग कर देंगे। बाद बाकी डायग्राम तुमको नहीं बनाना है, केवल समझने के पर्पज से डायग्राम है, ठीक है। अब इसी में एक चीज और होती है, लैक्टील्स। लैक्टील्स के अंदर जो ग्रीन कलर का है, इसके अंदर भरा होता है लिम्फ। तो ये लिम्फ का क्या काम है? ये लिम्फ का काम आएगा जब हम लोग फैट के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तो बात समझ में आ गया। ये हमारा मतलब, एक तरह से मैं बात करूं अगर तो इस तरह से गोल कर लें तो ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई और उसके अंदर ये विलाई का एक हिस्सा है, काफी बड़े रूप में जो दिखा रखा है मैंने यहां पर, ठीक है। आगे आते हैं।
एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल ऑकर वाया, अब ये एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है, यानी कि मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर जो फूड पार्टिकल फाइनली कायम से जो डाइजेस्ट हो चुका है वो यहाँ और यहाँ से इस ब्लड वेसल में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस ब्लड वेसल में, ये कैसे हो रहा है, कौन से तरीके से हो रहा है? तो तरीके वही हैं जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, या तो डिफ्यूजन होगा, ठीक है, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, किसी की हेल्प से काम होगा, या ऑस्मोसिस होगा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी खर्च की जाएगी जिससे कि हमारा एक एक न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए, कोई वेस्ट ना हो। अबाउट 90% ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 90% सारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द अदर 10% ऑकर इन द स्टमक, लगभग 10% एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एनी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल लेफ्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पासेस ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी अनडाइजेस्टेड वाला पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वहां से फीसेस के रूप में बॉडी से अलग हो जाता है। क्लियर हुई बातें यहां तक? तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों ने यहां पर एक भूमिका तैयार करी है, एक इंट्रो तैयार किया है कि आखिरकार अब हम होने क्या वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन बारी बारी से। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो बड़ा सिंपल है, देखो कुछ खास बातें याद रखनी है। ऑल कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब एट मोनोसैकेराइड, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं। ऑल डायट्री कार्बोहाइड्रेट डेट आर डाइजेस्टेड नॉर्मली आर एब्जॉर्ब, ठीक है, जितना भी डायट्री कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाना खाया है डेट आर डाइजेस्टेड, जो पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है, नॉर्मली आर एब्जॉर्ब, जनरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लीविंग ओनली इनडाइजेस्टिबल सेलुलोज, केवल जो सेलुलोज वाला पार्ट है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमने देखा था अभी ऊपर, ठीक है ना। एंड फाइबर्स इन द फीसेस, तो केवल सेलुलोज और फाइबर बच जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में से जो एब्जॉर्ब नहीं होता है और वो फीसेस में बाहर निकल आता है। मोनोसैकेराइड पास फ्रॉम ल्यूमन थ्रू द एपिकल मेम्ब्रेन वाया फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। अब सुनो, मोनोसैकेराइड पास फ्रॉम ल्यूमन, ल्यूमन मतलब कैविटी, कैविटी से वो एपिकल मेम्ब्रेन, जो सबसे ऊपर की मेम्ब्रेन थी, एपिकल मतलब टॉप वाली मेम्ब्रेन है ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इस मेम्ब्रेन से फैसिलिएटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रक्टोज अ मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट इज ट्रांसपोर्टेड वाया फैसिलिएटेड डिफ्यूजन, तो लिख सकते हो ऐसे अलग से चार्ट बना लोगे इसको, फ्रक्टोज के आगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन लिख लोगे। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ट्रांसपोर्टेड इनटू द एब्जॉर्प्टिव सेल, ये एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं ऑफ द विलाई वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें एनर्जी खर्च हो रही है, सेकेंडरी एक्टिव का मतलब क्या होता है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है ये, ठीक है, पोटेशियम अंदर, एटीपी खर्च हुआ, सोडियम बाहर, तो एटीपी खर्च सोडियम यहाँ से बाहर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सोडियम अपने आप अंदर आ रहा है और साथ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी अपने अंदर लेके आ रहा है, तो ये सिंपोर्ट करवा रहा है, तो एक्चुअल एनर्जी यहाँ खर्च हुई, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहां लाने के लिए डायरेक्ट एनर्जी खर्च नहीं हुई है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब डायरेक्ट एनर्जी खर्च होती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? ओके, द ट्रांसपोर्टर हैज बाइंडिंग साइट फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड टू सोडियम आयन, ठीक है ना, यहां पर ट्रांसपोर्टर होगा, दो सोडियम आयन और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपने साथ बांधेगा, जब तक ये तीनों एक साथ नहीं बंधेंगे तब तक वो आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, अनलेस ऑल थ्री साइट्स आर फिल्ड, जब तक कि सारी तीनों साइटें भर नहीं जाएंगी, नाइदर सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड। अब थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया, अदरवाइज तुम लोग सिंपल क्या याद कर लोगे, फ्रक्टोज किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ग्लूकोज किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट्स इट, सफिशियंट है। नाउ गैलेक्टोज कंपीट विद ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कॉम्पिटिशन रहता है टू राइड द सेम ट्रांसपोर्टर, ये दोनों एक ही तरीके से अंदर आते हैं, तो एक ही ट्रांसपोर्टर है यहां पर, तो इन दोनों में कॉम्पिटिशन चलेगा कि मैं अंदर जाऊंगा कि मैं अंदर जाऊंगा, बिकॉज बोथ एन ए प्लस एंड ग्लूकोज आर और गैलेक्टोज मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि उनको एक ही डायरेक्शन में जाना होता है। दिस इज सिम्पोर्टर, इसको हम लोग सिम्पोर्टर कहते हैं, सिम्पोर्टर मतलब सिम्पोर्ट, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एंटीपोर्ट होता है इधर से और इधर से, जब एक आगे एक इधर जाएगा एक इधर आएगा तो उसको हम एंटीपोर्ट कहते हैं। मोनोसैकेराइड देन मूव आउट ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल, अब क्या मोनोसैकेराइड एब्जॉर्प्टिव सेल से बाहर निकलते हैं थ्रू देयर बेसोलेटरल सर्फेस वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एंटर द कैपिलरीज ऑफ द विलाई, तो ऊपर के तरीकों से ये तरीका, बात समझना, ये ऊपर हमने तरीके पढ़े, ये वाले यहां से हुआ क्या कि जो मेरा न्यूट्रिएंट था वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स में घुस गया, अब एब्जॉर्प्टिव सेल्स से फाइनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और कैपिलरी में एंटर कर जाता है। तो दो प्रोसेस है बेटा यहां पर, पहली प्रोसेस में जो मेरा फूड है वो यहां आ जाएगा,
और दूसरी प्रोसेस में ये फूड मेरा इस ब्लड कैपिलरी में आता है, तो दो बार डिफ्यूजन होगा या दो बार ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर है? आगे आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड इसकी बात कर लें। अब हम लोग मोस्ट प्रोटीन आर एब्जॉर्ब एज अमीनो एसिड, ज्यादातर जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस डेट ऑकर मेनली इन द ड्यूडेनम एंड जेजनम। अब मैंने हिस्से ही बता दिया कि मेन कहां पर ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं। डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, अलग अलग ट्रांसपोर्टर होते हैं हर एक अमीनो एसिड के लिए। टोटल अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स के हैं हमारी बॉडी में, पता है ना। आओ देखें, सम अमीनो एसिड्स एंटर एब्जॉर्प्टिव सेल्स, कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल में घुसेंगे ऑफ द विलाई वाया सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, दैट आर सिमिलर टू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के जैसा ही था। अदर अमीनो एसिड्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड बाय देमसेल्फ, और कुछ डायरेक्टली एनर्जी खर्च करके उनको जबरदस्ती एब्जॉर्प्टिव सेल में घुसा दिया जाता है। नाउ अमीनो एसिड्स मूव आउट ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सेल, मैंने कहा ना दो प्रोसेस होती है, पहले घुसेंगे एब्जॉर्प्टिव सेल में और फिर एब्जॉर्प्टिव सेल से ब्लड कैपिलरी में। नाउ अमीनो एसिड मूव आउट ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सेल, अब अमीनो एसिड एब्जॉर्प्टिव सेल से बाहर आएगा डिफ्यूजन के द्वारा, एयर एंटर्स कैपिलरी और कैपिलरी में एंटर कर जाएगा। ऑफ द वायलस बोथ मोनोसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू द लिवर बाय वे ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, देन एंटर द जनरल सर्कुलेशन। तो हम तुम लोगों ने शायद एक बात सुनी होगी कि खाना सबसे पहले जो हमारा एब्जॉर्ब होता है वहां से खाने जो ब्लड होता है उस खाने को पहले लीवर के पास पहुंचाता है कि भाई देख लो कुछ अनाप शनाप तो नहीं है, डिटॉक्सिफाई कर दो। ठीक है, तो ये होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, वहां से खाना कहां पहुंचता है, लीवर के पास पहुंचता है, और उसके बाद फिर हमारा फाइनली जनरल सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में हमारा आ जाता है पूरी बॉडी वाले में। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स एंड बाइल साल्ट, अब यहां थोड़ा सा चीजें लेंथी होंगी, लंबी होंगी, समझना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, समझो। क्योंकि फैट है और ब्लड के अंदर वाटर होता है तो ये जनरली डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं इस तरीके से। तो किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है 3 से 5 नंबर में। ऑल डायट्री लिपिड्स आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये एब्जॉर्ब कैसे हो रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही हो रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन हो गया था, टूट गए थे छोटे छोटे, ठीक है ना, एंड डाइजेशन। ट्राइग्लिसराइड्स आर मेनली ब्रोकन डाउन इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स, तो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं हमको पता है, मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड में टूट जाते हैं, विच कैन बी आइदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, वो या तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, पढ़ा हमने। स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आर हाइड्रोफोबिक, स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, पानी से दूर भागने वाले होते हैं, लेकिन कंटेन लेस देन 10-12 कार्बन, इसके अंदर कार्बन काफी कम होते हैं जिसकी वजह से दे आर मोर वाटर सॉल्युबल, पानी के अंदर की सॉल्युबिलिटी बनी रहती है, ठीक है, दस दे कैन डिजोल्व इन द वाटरी इंटेस्टाइनल चाइम, उस चाइम में डिजोल्व हो जाएंगे, पास थ्रू द एब्जॉर्प्टिव सेल, एब्जॉर्प्टिव सेल से होते हुए वाया सिंपल डिफ्यूजन एंड फॉलो द सेम रूट टेकन बाय मोनोसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड इन टू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ वायलस, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट चेन फैटी एसिड डायरेक्ट ब्लड में चले गए एब्जॉर्प्टिव सेल से होते हुए, क्लियर, आगे आते हैं। नाउ लार्ज शॉर्ट चेन फैटी एसिड, कुछ बड़े जिनके अंदर कार्बन 10 से 12 से ज्यादा थे, एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स आर लार्जर एंड हाइड्रोफोबिक, ये बड़े होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, एंड सिंस दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, द बाइल साल्ट इन इंटेस्टाइनल चाइम्स सराउंड देम। अब प्रोसेस क्या हो रही है कि बाइल साल्ट इनको चारों तरफ से घेरेगा, फॉर्मिंग आर टाइनी स्फीयर्स कॉल्ड मीसेल्स, यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है इनके बनने की। तो वो समझते हैं, डायग्राम है, केवल जितना बताऊंगा उतना देखना, बाकी सब मत देखने लग जाना, ठीक है। ये मेरा बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल था, ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसेस क्या हुई, इमल्सन हुआ, इसके ऊपर बाइल साल्ट आगे लगा और छोटे छोटे फैटी एसिड्स में टूट गया, कुछ एंजाइम्स ने खाया तो छोटे हो गए। अब इसके चारों तरफ क्या लग गए, बाइल, इसके चारों तरफ क्या लग गया, फिर आकर के कौन लग गए, बाइल साल्ट लग गया आकर के, और ये बाइल साल्ट क्या करते हैं, इसको ले जा करके, ये देख रहे हो, ये है गट वाल, ठीक है, ये क्या है, गट वाल है, ये आकर के इसको फाइनली कहां पर, उस जो गट वाल है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मोनोग्लिसराइड वगैरह है, गट वाल है, गट मतलब पेट, ये क्या करेंगे, इसको लेकर यहां आएंगे और इस फैट को यहां छोड़ देंगे, बात समझ में आई,
और ये बाकी का जो बाइल साल्ट है ये वापस बाहर आया था, ये बस यहाँ पे आकर अपना मुंह खोलेगा और ये फैट अंदर चला गया। तो ये तभी पॉसिबल है। अच्छा क्यों ऐसा पॉसिबल है? ये जो फैट था ये डायरेक्ट नहीं घुस पा रहा था, ये यहाँ पर इसकी चेन से मिल करके इन्होंने रास्ता खुलवाया और इसको अंदर पहुँचवाया, डायरेक्ट नहीं घुस सकते थे ये। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ठीक है, तो बाइल साल्ट कहीं ना कहीं इसके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, अभी बस वॉल तक ही है एक तरह से, एब्जॉर्प्टिव सेल तक है, अभी आगे नहीं बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे आते हैं। अब आगे ये अभी हम लोग कह सकते हैं कहां पर है हम लोग, दिस इज एब्जॉर्प्टिव सेल। कहां पर है अभी हम लोग? एब्जॉर्प्टिव सेल, यहां तक की कहानी है अभी, उसके आगे क्या होगा समझेंगे अभी बाद में। आओ फटाफट देखें इसको, मिसल्स बन गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं। जब इस तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, चारों तरफ बीच में फैट, चारों तरफ ये हाइड्रोफोबिक पार्ट आगे जोड़ लेगा। मिसल्स पड़ा हुआ केमिस्ट्री में क्लास 12th में भी, ठीक है, साबुन की जो प्रक्रिया होती है साफ करने की, वही मिसल्स फॉर्मेशन के द्वारा ही होती है। तो मिसल्स बन जाता है, ईच ऑफ विच 2 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड इंक्लूड 20 to 50 बाइल साल्ट मॉलिक्यूल। ठीक है ना, लगभग एक एक में कितने होते हैं? 20 to 50 बाइल साल्ट लगे हुए होते हैं। मिसल्स आर फॉर्म ड्यू टू एम्फीफेटिक नेचर। मिसल्स बनता है इसलिए है क्योंकि उसका नेचर एम्फीफेटिक होता है, बाइल साल्ट का एम्फीफेटिक बताया था मैंने। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा फैट लविंग पार्ट होता है, वो इसमें घुस जाता है, वाटर लविंग पार्ट बाहर रहेगा। ओके, द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ बाइल साल्ट, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है इंट्रैक्ट करता है लार्ज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, वो उसमें साथ इंट्रैक्ट करेगा और उसके अंदर ऐसे घुस जाता है। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स एंड द हाइड्रोफिलिक रीजन, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो लार्ज शॉर्ट चेन फैटी एसिड या लॉन्ग चेन फैटी एसिड है या मोनोग्लिसराइड्स है, उनके अंदर जाकर घुस जाएगा जो भी कुछ होगा। और हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ बाइल साल्ट इंटरेक्ट विद द वाटरी इंटेस्टाइनल चाइम, इंटेस्टाइनल के अंदर जो भी पानी जैसी चीज मौजूद है इस समय, वो चाइम है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। वंस फॉर्म, जब एक बार बन जाएगा, द मिसल्स मूव फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर से इंटेस्टाइन के अंदर से मूव करना स्टार्ट करेगा एब्जॉर्प्टिव सेल के पास। ठीक है, टू द ब्रस्ट बॉर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सेल, एब्जॉर्प्टिव सेल के पास मूव करता हुआ जाएगा। एट दैट पॉइंट, उस समय द लार्ज शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो बड़ी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं एंड मोनोग्लिसराइड्स हैं जो इसके अंदर यहाँ मौजूद हैं, डिफ्यूज आउट द आउट ऑफ द मिसल, यहाँ से डिफ्यूज आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इनटू द एब्जॉर्प्टिव सेल, और एब्जॉर्प्टिव सेल में चले जाएंगे, लीविंग द मिसल्स बिहाइंड, और जो मिसल्स है वो पीछे रह जाएगा इन द चाइम, चाइम के अंदर। तो किस तरीके से फैट मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर पहुंचा, ये कहानी समझ में आई? ये कहानी यहां से स्टार्ट होती है, आंसर लिखोगे तो यहां से लिखोगे। आगे आते हैं, नाउ मिसल आल्सो सोल्युबलाइज अदर लार्ज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, जो दूसरे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हैं, जो यानी कि फैट वाले मॉलिक्यूल हैं, उनको भी क्या करता है, ये सोल्युबलाइज करता है, इसी तरीके से ढकेलेगा। सच एज फैट सोल्युबल विटामिन ए डी ई के, ये भी इसी प्रोसेस से जाते हैं। एंड कोलेस्ट्रॉल डेट मे बी प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल चाइम एंड इन देयर एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है या फैट सोल्युबल कोई चीज है, वो उनको सेम तरीके से क्या करेगा, उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, आगे आते हैं। वंस इनसाइड द एब्जॉर्प्टिव सेल, जब एक बार ये एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर पहुंच गया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स मोनोग्लिसराइड्स आर रिकम्बाइंड, ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स, वापस से ट्राइग्लिसराइड्स बना लेते हैं, विच एग्रीगेट इन टू ग्लोब्यूल्स, जो जुड़ करके एक ग्लोब्यूल, एक गोलानुमा चीज बना लेते हैं, अलॉन्ग विद फॉस्फोलिपिड, साथ साथ में इनके फॉस्फोलिपिड जुड़ जाता है एंड कोलेस्ट्रॉल जुड़ जाता है एंड बिकम कोटेड विद प्रोटीन, और उसके आसपास एक प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है। दीस लार्ज स्फेरिकल मासेस अबाउट 80 नैनोमीटर इन डायमीटर आर कॉल्ड काइलोमाइक्रोन, अब ये बन गया काइलोमाइक्रोन, काफी बड़े हैं। ठीक है, 80 नैनोमीटर का साइज हो गया है, तो ध्यान रखना ये काइलोमाइक्रोन का जिक्र तुम्हारा सेकेंड ईयर में आएगा, फार्माकोथेरेपेटिक जब पढ़ेंगे कि काइलोमाइक्रोन क्या है, तो काइलोमाइक्रोन यहाँ से हमारा बनके तैयार हुआ। जैसे ही फैट एब्जॉर्ब होता है ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बन गया है, काइलोमाइक्रोन। एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर क्या चीज़ बनके तैयार हो गई है, काइलोमाइक्रोन्स बनके तैयार हो गए हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। अब काइलोमाइक्रोन्स लीव द एब्जॉर्प्टिव सेल वाया एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस पता है ना क्या होता है, कोई सेल है उसके अंदर कोई चीज है, तो ये चीज धीरे से सेल के अंदर पे आई चिपकेगी और फिर ये इसको सेल को क्या कर देगा, बाहर निकाल देता है ना, एक्सोसाइटोसिस। तो जो
काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये सेल के जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स है उससे एक्सोसाइटोसिस होकर के बाहर निकलेंगे बिकॉज दे आर सो लार्ज, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं एंड बल्कि हैं। काइलोमाइक्रॉन्स कैन नॉट एंटर ब्लड कैपिलरीज, जो यहां पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहां पर जो ब्लड कैपिलरीज थे ये इतने बड़े हैं कि इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर घुस नहीं पाते हैं। लेकिन लैक्टीज जो लैक्टील्स हैं इनके ऊपर इतने बड़े बड़े पोर होते हैं कि ये लैक्टील्स के अंदर घुस सकते हैं। बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं वो लैक्टील्स यानी कि जहां लिम्फ है ये उसके अंदर घुस जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में उतने बड़े छेद नहीं होते हैं तो उसके अंदर वो नहीं घुस पाते हैं। बात समझ में आई? ओके। बिकॉज द पोर्स इन द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर टू स्मॉल, ब्लड कैपिलरीज की जो दीवार है उसके अंदर पोर्स है बहुत छोटी हैं, इसीलिए उसके अंदर नहीं घुस पाते हैं। इंस्टेड बजाय उसके काइलोमाइक्रॉन्स एंटर्स लैक्टील्स, वो लैक्टील्स में एंटर करते हैं विच हैव मच लार्जर पोर्स देन ब्लड कैपिलरीज, उनके पास ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में काफी बड़े छेद होते हैं, ठीक है। इसीलिए काइलोमाइक्रॉन ब्लड में अभी एब्जॉर्ब नहीं हुए, किसमें एब्जॉर्ब हो गए? लैक्टील्स यानी कि लिम्फ में। From lacteals, chylomicrons are transported by way of lymphatic vessels. Lymph वाला पार्ट पढ़ा हुआ है हमने, lymph याद आया, lymph जा करके finally heart से पहले यहाँ पर एक veins होती है उसमें जाके मिल जाती है और blood में जाके mix हो जाती है। तो वही कहानी यहाँ पे आने वाली है। Chylomicrons are transported by way of lymphatic vessels. वो lymphatic vessels के माध्यम से transport होते हुए thoracic duct to the thoracic duct वहाँ पहुँचते हैं and enter the blood. और finally blood में enter करेंगे at the junction of लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वीन। याद आया ये वाला लिम्फ वाला पार्ट जो मैंने बताया था, लिम्फ जो क्रिएट होता है किस तरीके से फाइनली ब्लड में जाके मिलता है। ये नहीं याद आया तो वाला चैप्टर लिम्फ वाला देखें और समझें, अगर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये पार्ट फटाक से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार लिम्फ से इंटेस्टाइन में फैट एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ हो जाता है लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में लिम्फ उसको लेकर के बाहर आ जाता है और हार्ट के पास इन वीन्स के द्वारा वो ब्लड के अंदर एंट्री मारता है फैट हमारा। क्लियर है? ओके। द हाइड्रोफिलिक प्रोटीन कोट, जो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन कोट होती है दैट सराउंड ईच काइलोमाइक्रॉन कीप्स द काइलोमाइक्रॉन सस्पेंडेड इन द ब्लड एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। वो उसको ब्लड में सस्पेंड कर रखेगी और आपस में चिपकने नहीं देगी, क्योंकि आपस में चिपक जाएंगे तो एक बड़ा रूप ले लेंगे और क्लॉटिंग हो सकती, मतलब फंस जाएंगे किसी ब्लड कैपिलरी में जाकर के, ठीक है। तो ये काम इसका है। आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन इमल्सिफिकेशन द एब्जॉर्प्शन, अब इतनी कहानी खत्म होगी, फाइनली एब्जॉर्प्शन हो गया। अब कह रहा है पार्टिसिपेशन इन द इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड मोस्ट ऑफ द बाइल साल्ट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन हो गया, लिपिड एब्जॉर्ब हो गया, अब जो बाइल साल्ट बचा हुआ था पीछे रह गया था, ठीक है, आर री एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द फाइनल सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन आगे बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट सेगमेंट में जाकर के जो कि इलियम वाला पार्ट है वहां पर मेरा बाइल साल्ट क्या हो जाएगा, वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा एंड रिटर्न बाय द ब्लड टू द लिवर, और वापस से लिवर ब्लड के द्वारा रिटर्न किया जाएगा लिवर को, है ना, वहीं पर था हमारा बाइल साल्ट, थ्रू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम फॉर रिसाइकलिंग, ताकि उसका इस्तेमाल बाद में दोबारा हो सके। नाउ दिस साइकिल ऑफ बाइल साल्ट सिक्रेशन बाय हेपेटोसाइट्स इनटू बाइल, अब दिस साइकिल ऑफ बाइल साल्ट सिक्रेशन होते हैं हेपेटोसाइट के द्वारा इनटू द बाइल, रीअब्सॉर्प्शन बाय द इलियम एंड रीसिक्रेशन इनटू द बाइल इज कॉल्ड द एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ये जो हेपेटोसाइट सेल्स के द्वारा बाइल का छोड़ा जाना, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन होना इलियम के द्वारा और फिर से रीसिक्रेशन होना इनटू द बाइल के रूप में, ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहलाता है। याद आ रहा है? हेपेटोसाइट्स लिवर के अंदर थे, सिक्रेट करते थे, सारी बातें वही हैं। ओके नाउ, अब ये ऊपर की समरी थी वो उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, एक पिक्चर मेरे को मिल गया था तो ये देखो बड़ा अच्छा है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये कौन से सेल हैं? एब्जॉर्प्टिव सेल्स, दीज आर एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ वाइलस, ठीक है ना, और अंदर क्या आ गया? ब्लड कैपिलरीज आ गया। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ आ गया। अमीनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम अंदर आ गया। डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अंदर आ गया। स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड सिंपल डिफ्यूजन अंदर आ गया। लार्ज शॉर्ट चेन फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड सिंपल डिफ्यूजन होगा और ट्राइग्लिसराइड के रूप में बदल जाता है, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन बदलता है और फिर टू लैक्टील्स कहाँ चला गया? ये लैक्टील्स के पास चला गया, वहाँ से थोरासिक डक्ट और फाइनली यहाँ पहुँचा। ये यहाँ से सीधा ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं। तो ये अगर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के बारे में दो नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से दिखा करके अपना आंसर दे सकते हो। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लें, वो तो हो गया खाना पीना। इलेक्ट्रोलाइट्स
भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. मेनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं. कम फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ से आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हमारी बॉडी के सिक्रेशन से आते हैं ज्यादातर, ठीक है ना. और इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ताकि वापस से यूज हो सके. एंड सम आर पार्ट ऑफ इंजेस्टेड फूड, कई बार कुछ आयंस जो हम खाना खाते हैं उसमें से भी आते हैं. सोडियम आयन आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल्स, जो सोडियम आयन्स होते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल से एक्टिवली बाहर आते हैं बाय सोडियम पोटेशियम पंप आफ्टर दे हैव मूव्ड इनटू एब्जॉर्प्टिव सेल वाया डिफ्यूजन. सोडियम आयन पहले एब्जॉर्प्टिव सेल में चले जाते हैं फिर वहां से वापस बाहर आ जाते हैं एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो वो इस तरीके से अंदर बाहर करते रहते हैं, खाने के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते रहते हैं. दस मोस्ट ऑफ द सोडियम आयन इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर रिक्लेम्ड एंड नॉट लॉस्ट इन द फीसेस, ठीक है ना. जो एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर जाते हैं फिर वो बाहर आते हैं, जिससे कि क्या ग्लूकोज वगैरह जो है वो अपना दिखाया था मैंने ऊपर एक डायग्राम, उससे क्या होता है ग्लूकोज को और गैलेक्टोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता रहता है. नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट आयन कैन पैसिवली फॉलो सोडियम आयन और बी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड. ये सोडियम आयन को फॉलो करते रहते हैं, पीछे चले जाते हैं या एक्टिवली एनर्जी खर्च करके इनको वापस से सेल के अंदर ढकेल दिया जाता है. बात समझ में आ रही है? सेल मतलब वही इंटेस्टाइन के सेल की बात हो रही है, ठीक है. कैल्शियम आयन आल्सो एब्जॉर्ब एक्टिवली इन ए प्रोसेस स्टिमुलेटेड बाय कैल्सिट्रॉन, ठीक है ना. जो कैल्शियम आयन है वो कैल्सिट्रॉल के द्वारा एक प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, उसकी वजह से वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. कैल्सिट्रॉल क्या होता है? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, है ना. विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. नॉर्मली मेड इन द किडनी, कहाँ बनता है? ये किडनी में बनता है. अदर इलेक्ट्रोलाइट सच एज आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयंस आयंस आल्सो आर एब्जॉर्ब वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वापस से सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. विटामिन्स की बात करें, फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए डी ई के आर इंक्लूडेड विद इंजेस्टेड डायटरी लिपिड्स इन मीसल्स एंड आर एब्जॉर्ब वाया सिंपल डिफ्यूजन. ये वही तरीका मीसल्स के माध्यम से सिंपली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. मोस्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन सच एज बी विटामिन एंड विटामिन सी आल्सो आर एब्जॉर्ब वाया सिंपल डिफ्यूजन, ये भी सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है. एब्जॉर्ब होकर फाइनली वो जा रहे हैं ब्लड के अंदर. विटामिन बी ट्वेल्व हाउएवर कंबाइंड विद इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक. पेट के द्वारा एक कंपाउंड सिक्रेट किया जाता है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर करते हैं कहते हैं, ठीक है. उसके साथ विटामिन बी ट्वेल्व कंबाइंड होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है इन द इलियम वाया एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. यानी कि पेट इंट्रिंसिक फैक्टर छोड़ेगा और जितना भी विटामिन बी ट्वेल्व है वो उससे आगे जुड़ेगा, उससे आगे जुड़ने के बाद इलियम वाले पार्ट में आकर के वो फाइनली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. पानी की बात करें, पानी दिन भर में बहुत सारे पीते हैं हम लोग, है ना. तो कुछ बच्चों को रहता है पानी पीते हैं तो कहाँ चला गया. द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन ईच डे, अगर लोज की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग 9.3 लीटर्स, 9 लीटर के आसपास फ्लूइड आता है. कहाँ कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है. अबाउट 2.3 लीटर ये हम लोग इंजेक्शन पी रहे हैं एंड फ्रॉम वेरियस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, सलाइवा हो गया, पेट का हो गया, पेंक्रियास का हो गया, वो सब मिला करके लगभग 7 लीटर फ्लूइड सिक्रीट होता है, ठीक है. द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब अबाउट 8.3 लीटर, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन ये सारा लगभग 8.3 लीटर फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा. द रिमाइंडर पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और बाकी बचा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाता है जो कि लगभग 0.9 लीटर इज ऑल्सो एब्जॉर्ब, ठीक है ना. उसमें से भी लगभग 0.9 लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है. ओनली 0.1 लीटर लगभग 100 ml ऑफ वाटर इज एक्सीडेड इन द फीसेस ईच डे, पूरा लिक्विड एब्जॉर्ब हो गया, केवल 100 ml लगभग फीसेस के द्वारा निकाला जाता है ना. वैसे ज्यादातर पानी यूरिन से निकलता है, फिर बाहर जो एक्स्ट्रा पी लेते हैं हम लोग, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पहले ब्लड के द्वारा. ऑल वाटर एब्जॉर्प्शन इन जी आई ट्रैक्ट ऑकर वाया ऑस्मोसिस फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन, जितना भी पानी पियोगे सब एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बॉडी, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड फिर उसे फिल्टर करके यूरिन से निकालता है, ठीक है ना, थ्रू द एब्जॉर्प्टिव सेल एंड इन टू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है. पानी एब्जॉर्प्टिव सेल से होता हुआ ब्लड कैपिलरी में जाता है और ब्लड में आ जाता है. अब आते हैं एब्जॉर्प्शन एंड फीसिस फॉर्मेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और फीसिस फॉर्मेशन को एक बार देख लें हम लोग क्या है. आफ्टर 3 to 10 hours इन लार्ज इंटेस्टाइन, लगभग 3 से 10 घंटे, है ना, इन लार्ज इंटेस्टाइन काइम बिकम सॉलिड, वहां रहने के बाद 3 से 10 घंटे रहने के बाद जो काइम होता है वो सॉलिड हो जाता है या सेमी सॉलिड हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड इज नाउ कॉल्ड फीसिस.
अब वो क्या हो गया, सॉलिड हो चुका है या सेमी सॉलिड के रूप में बदल गया है, क्योंकि पानी को लार्ज इंटेस्टाइन ने उसमें से सोख लिया है और उसको फीसेस का रूप ले चुका है। केमिकली बात करें, फीसेस कंसिस्ट ऑफ वाटर, उसके अंदर थोड़ा पानी होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, स्लव्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स टूट फूट गए हैं वो भी उसके अंदर कई बार होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये एपिथेलियल सेल्स कहाँ से आते हैं, म्यूकोसा ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आते हैं। बैक्टीरिया हो सकते हैं हमारे फीसेस में, प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया ने जो डिकम्पोज किया है पार्ट जो मैंने बताया था फीसेस में वो मिला हुआ हो सकता है। अनएब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड मटेरियल, जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो हो सकता है। एंड इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ फूड, खाने का ऐसा हिस्सा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ऑफ द 0.5 से 1 लीटर ऑफ वाटर डेट एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी लगभग आधा लीटर से एक लीटर पानी एंटर कर जाता है। ओनली 100 से 200 ml रिमेन्स एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब, इस पूरे में से सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, केवल 100 से 200 ml पानी बचता है, बाकी सारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, ऑस्मोसिस के माध्यम से। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो एब्जॉर्ब आयंस, वो कुछ आयंस को भी एब्जॉर्ब करती है, इंक्लूडिंग सोडियम क्लोराइड एंड सम विटामिन, है ना, छोड़ना कुछ नहीं है, बॉडी से कुछ निकालना नहीं, अच्छी चीज़ें बॉडी से निकल जाएगी फिर तो कमजोरी आ जाएगी। अब एक लास्ट पार्ट है डिफिकेशन रिफ्लेक्स। डिफिकेशन मतलब हमें कब लगता है कि हमें प्रेशर आ गया है, हमें पॉटी करने के लिए जाना है। कह रहा है मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुश फीकल मटेरियल फ्रॉम द सिग्मोइड कोलोन इनटू द रेक्टम। अब सिग्मोइड कोलोन देख लेना वाला पार्ट जो था वहां पर, वहां से रेक्टम में पुश कर दिया। द रिजल्टिंग डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टल वॉल, अब जो रेक्टम है वो धीरे धीरे भर रहा है, उसमें खिंचाव आ रहा है। एक खास खिंचाव के बाद द रिजल्टिंग डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टल वॉल, रेक्टल वॉल में जो खिंचाव आ गया है, स्टिमुलेट स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच आने पर वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, विच इनिशिएट आर डिफिकेशन रिफ्लेक्स, फिर ब्रेन में सिग्नल भेजेगा, रिफ्लेक्स चालू हो जाएगा, डेट रिजल्ट इन डिफिकेशन, द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द एनस, और फाइनली रेक्टम से होता हुआ एनस के माध्यम से फीसेस क्या होंगी, बाहर आ जाएंगी। क्लियर है? तो चैप्टर बड़ा ही मजेदार है ये, ठीक है, काफी सारी चीजें मैंने यहां डिस्कस कर दी हैं। ये क्या है, एक चार्ट है, चार्ट में क्या है, कौन सा एंजाइम है, सोर्स क्या है, ठीक है, किसके ऊपर काम करते हैं, और फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाकर ये दे रहे हैं। तो यहां से तुम्हारे 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन 1 एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो पूरी समरी रहेगी उनकी, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन से एंजाइम है, ब्रश वाटर के अंदर कौन से एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, सोर्स क्या है, किसके ऊपर काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट है। तो ये एक चार्ट के माध्यम से तुम क्या कर सकते हो, उसको एक तुमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने में तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ओके, और ये लेक्चर हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है, चेहरे पे मुस्कुरा दो थोड़ा सा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खत्म हो गया। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेंथी चैप्टर था, समझना बहुत ज़्यादा है चीज़ों को इसमें से, फिर मैं बोलूँगा समझ सब लेना, फिर थोड़ा सा शॉर्ट फ्लो चार्ट की फॉर्म में आंसर्स को लिखने की कोशिश करना कि यहाँ से ये, क्योंकि इतना समझाऊंगा नहीं बेटा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। इसी में से क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे बाद में जब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से इसको हम और अच्छे से आंसर्स के रूप में किस तरह से लिखेंगे वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये सारा पढ़ लो, यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। बाद बाकी मेरा नंबर पता ही है, ठीक है ना, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अपना ऐप है, इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे इसका यूज़ कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ पढ़ो और रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट।